2016 के पेपर पर हम लोग आए, इसके पहले मैं एक अपडेट कर दिया हूँ, इसको मैं पहले आपको दिखा दूँ मैंने क्या इसमें अपडेट किया है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर से जो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक मैंने और डेटा इसमें इंक्लूड कर दिया है। वो डेटा क्या है, तो डेटा ये है कि 2011 में रुचि वाले वर्ड से, ठीक, रुचि वाले वर्ड से अगर आप देखेंगे 2011 में रुचि वाले वर्ड से और प्रश्न वाले वर्ड से ही क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। तो या तो रुचि इसका मैच करवाया या तो रुचि और इसका मैच करवा करके क्वेश्चन पूछा हुआ 2011 के अंदर। 2013 के अंदर आप देखेंगे पुरस्कार से पूछा हुआ है और प्रशंसा से पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो पुरस्कार और प्रशंसा से आप देखेंगे 2013 में पूछा हुआ है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर 2013 में देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है, तीन पुरस्कार से भी पूछा है, प्रशंसा से भी पूछा है और आंतरिक और बाह्य, किससे पूछा है, आंतरिक और बाह्य से भी आप देखेंगे यहाँ पर 2014 में क्वेश्चन पूछ लिया है। और इसके बाद ठीक है, ये डेटा। अब देखिए, अब मैं ये काम कर सकता था कि इतना डेटा मैं आपको प्रोवाइड क्यों कर रहा हूँ, मैं प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एक्चुअल तैयारी कर सकें, रियल तैयारी आप कर सकें, ऐसा नहीं बस शायद या ऐसे कल्पनाशील तैयारी आप करें कि हाँ ये भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इस बार आ जाए, कितना आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सब आपको पता नहीं, बस आप बुक उठाए या किसी टीचर के यहाँ एडमिशन ले लिए, गए वो जो एक टॉपिक तैयार करके एक दो एडिंग तैयार करके आया, आने के बाद ऐसे पूरा एकदम प्रवचन की तरह से कथा सुना दिया आपको, पूरा ये बोले हैं वो बोले, इनका कथन ये है उनका कथन ये है, तीन पाँच इतना बाउंडर बना के चला गया, आप अरे बहुत बढ़िया टीचर हैं यार, एकदम पूरा सवाज पढ़ लिए, मतलब बस ऐसे ही आप करके बस पढ़ लिए और पता चला एग्जाम में जब गए तो एग्जैक्ट ठीक से आप कर ही नहीं पाए, या फिर आपको आ रहा था वो भी आप छोड़ करके चले गए क्योंकि आप ठीक से रियल तैयारी नहीं की है, डेटा के बेसिस पर आप तैयारी नहीं की है। जो टीचर्स होते हैं ना बस केवल एडमिशन लेते हैं, पैसा लेते हैं, कभी भी आप देखिएगा वो इतनी मेहनत करके नहीं आते हैं, वो डेटा लेकर के आपके सामने नहीं आते हैं, कौन सा वो जो पढ़ा रहे हैं उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, क्यों आता है क्वेश्चन, कहाँ से आता है क्वेश्चन, कितनी बार आया है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको नहीं बताएंगे, वो सबको इंपॉर्टेंट ही बताते चले जाएंगे, वो कभी आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि वो बस ऐसे एक टॉपिक पढ़ करके आए बुक में से या कहीं से भी पढ़ करके आए नोट में से पढ़ा करके आपको चले गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा डेटा एक एक डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपके सामने पूरा खाका निकल करके आ जाए, और विश्वास मानिए मैं ऐसे ही सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे ही सेम तरीके से आप देखेंगे, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे जिस टॉपिक को मुझसे तो इसके बाद जिंदगी, मैंने बोला ना आखिरी सांस तक आपको नहीं भूलेगी, ये मेरा आपसे बता रहा, ठीक है। तो ये डेटा ये आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, ये वाला किससे पूछा था मैंने देखा नहीं है, इसको आप लोगों को आप लोग अगर देखें तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 2016 वाले पेपर में आ जाते हैं, 2016 वाले में आ जाते हैं, ठीक। तो 2016 के अगर पेपर की हम लोग बात करें, 2016 में कौन सा पूछा हुआ था, 2016 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2016 फरवरी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, जैसा कि मैंने आपके सामने जो डेटा रखा था उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आप देखेंगे क्या पूछा हुआ, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, डैश देकर के सामने आपसे पूछा है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो एक बार मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये रुचि वाले चैप्टर से पूछा हुआ है, सॉरी रुचि वाले टॉपिक से पूछा हुआ है। तो रुचि में आप देखेंगे 2016, ये आप देखेंगे फरवरी 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, 2016 में भी ये आपका रुचि वाले पॉइंट से ही क्वेश्चन उठा लिया है। दूसरा एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वैसे इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे प्रेरणा वर्ड का वर्ड यूज किया है इन्होंने, मैं उसको भी नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि इसमें से किससे पूछा गया है, जो डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया होगा मैं वहाँ पर भी डेटा को प्रोवाइड करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ से पूछा है डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, अभी तो मैं कब से चिल्ला के बता रहा हूँ, बताइए रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन 2011 में सेम टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन 2016 में दोबारा आपको रिपीट करके पूछा है। तो पहली बार तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी है सहानुभूति, ऑप्शन नंबर सी है संदृष्ट और ऑप्शन नंबर डी है प्रेरणा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे बताना चाहिए, आप खुद ही मैंने पहले रिलेशन बता दिया है इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। जब मोटिवेट कोई होगा तभी उसके अंदर रुचि उत्पन्न होगी, मैं हज़ार बार चिल्ला के बता चुका हूँ। चलिए एक ही क्वेश्चन था 2016 में, अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2016 में आ जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है और क्वेश्चन नंबर 10 यूथ पब्लिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 को इन्होंने उठा लिया है 2016 के अंदर। तो मैं फटाफट आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, मिल गया क्वेश्चन नंबर 10 मिल गया। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, इन्होंने पूछा है कार्य को आरंभ करने, कार्य को जारी रखने और नियमित करने की क्या प्रक्रिया है। तो आप देखेंगे कार्य को कोई आरंभ करेगा, जारी करेगा और नियमित करेगा, तो क्यों करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये बताइए। सेम इसको भी अगर मैं बोलूँ तो ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे 2016 फरवरी और 2016, मैं इसको सिर्फ 2016 लिख करके छोड़ा, 2016 फरवरी और 2016 दिसंबर दोनों में पूछ लिया हुआ है। अब आप लोग खुद ही कॉमन सेंस लगा करके बोलिए कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रेरणा होगी, संवेदना होगी, सीखना होगी या फिर प्रत्यक्षीकरण होगी,
तो आंसर देने वाले दे चुके होंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका ऑब्वियस ही बात है कि आंसर प्रेरणा होगी। क्यों प्रेरणा होगी भाई? इसलिए प्रेरणा होगी क्योंकि देखिए रुचि को ही एक दूसरे वर्ड में कैसे आपसे पूछ लिया है। देखिए जब आपकी रुचि होगी किसी चीज़ में तभी तो आप, जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई में रुचि है तभी तो आप इतना लंबा, अभी तक मुझे लगता है कि 1 घंटा प्लस हो चुका होगा, तभी तो आप अभी तक टिके हुए हैं वीडियो के अंदर। तभी तो आपने पहली बात तो आपके अंदर रुचि थी पढ़ाई में, आपको इस पर टेट क्वालिफाई करना था, तभी आपने वीडियो को प्ले किया। इतना लंबा वीडियो देखते हुए भी आपने उसको प्ले करने की हिम्मत जुटाई पहली बार। दूसरी बात यह है कि जारी अभी तक आप 1 घंटा प्लस आपका वीडियो हो चुका होगा लेकिन फिर भी आप लोग अभी तक लगातार देखे जा रहे हैं मतलब जारी रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बहुत ही भयंकर इंटरेस्ट है, तभी आप अभी तक टिके हुए, नहीं तो अब तक पता चलता आप छोड़ करके चले गए होते, वीडियो बोर हो गए होते। तीसरी बात यह कि नियमित करने की प्रक्रिया, ये तो आप मान लीजिए आज वीडियो को देख रहे हैं और कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, इस तरीके से मेरे जो भी सारे वीडियो जाएंगे, किसी की भी वीडियो आप देखें या किसी से भी पढ़ाई करें, अगर आपकी पढ़ाई में रुचि है तभी आप लगातार, ऐसा नहीं बस आज पढ़ लिए कल आराम से सो गए, परसों आराम से कहीं चले गए बारात में, नर्सों चले कुछ और करने लगे, है ना, डांस करने लगे, कुछ और करने लगे, इस तरीके से मतलब नियमित नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक दिन हफ्ते में एक दिन पढ़ रहे हैं तो नियमित आप नहीं कर पा रहे हैं। तो नियमित कब करेंगे? नियमित तभी करेंगे जब आपका इंटरेस्ट होगा, जब आपकी रुचि होगी किसी काम के अंदर, तो आप अपने आप नियमित कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रुचि को ही आप देखेंगे 2-3 अलग अलग वर्ड में डिफाइन कर दिया कि आरंभ करना, जारी करना और नियमित करना का मतलब है कि रुचि है आपकी। और अगर रुचि है तो रुचि कहाँ से आएगी? प्रेरणा, अभिप्रेरणा, जो भी इसमें से कोई एक वर्ड उठा लीजिए। और ऑप्शन में दे रखा है प्रेरणा, प्रेरणा से उन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आप देखेंगे ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2016 का पेपर और यूथ पब्लिकेशन के हिसाब से मेरे पास इतना ही है। अब मेरे पास एक दूसरा पब्लिकेशन है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये है मेरे पास प्रभात पब्लिकेशन की बुक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रभात पब्लिकेशन की बुक है। मेरे पास यूथ इसके बाद नहीं है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं जाता हूँ 2016 बाद 2017 वाला, ठीक है, तो 2017 की अगर हम लोग बात करें, 2017 में भी आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ लिया था, आ गया क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अब जाकर अभी तक आप देखेंगे इससे और इनमें से रिलेट कर करके पूछता जा रहा था लेकिन अब जाकर के आपसे पूछा है मैकडूगल, जो कि मैं पढ़ाना चाह रहा था कब से, मैकडूगल, लेकिन मैकडूगल नहीं पूछ रहा था। अभी तक आप देखेंगे 2011 से लेकर के 2016 तक लगातार मैकडूगल को तो पूछा ही नहीं, अब जाकर के मैकडूगल को पूछा है और मैकडूगल से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है। मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था, तो बता दीजिए फटाफट। मैंने कब से चिल्ला के बताया है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि मूल प्रवृत्ति जो आती है वो अप्रेडा के अंदर आती है और अप्रेडा वाले चैप्टर से ही बिलोंग करते हैं मैकडूगल, इसका मतलब मैकडूगल ही देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, मैकडूगल ही देंगे। और कितने प्रकार के दिए थे? 14 प्रकार के। ये थोड़ा सा नंबर आपको याद रखना, हो सकता है अलग से भी पूछ ले, हालांकि पूछा नहीं अभी तक, नंबर अलग से नहीं पूछा है। तो आप देखेंगे मैकडूगल वाला जो टॉपिक है, ये जो आपका मैकडूगल वाला टॉपिक है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसमें कहाँ से पूछा? इसमें टेट में पूछा आपको 2017 में। कहाँ से पूछा? 2017 में जाकर के, अब जाकर के एक क्वेश्चन आपका उठा करके पूछा है 2017 में मैकडूगल से, इनमें टेट का डेटा भी दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2018 पर आ जाते हैं, टेट 2018 अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है, ठीक है, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। 2018 पर आ जाते हैं फटाफट, 2018, ठीक है, 2018 में पूछा था क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फिर से क्या पूछा है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन अगर 2017 का आपको दिखा दूँ, 2017 का ही क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखेंगे इसके हिसाब से, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया हुआ है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका? ध्यान सुनिएगा, दिया है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा यह वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? आप कहेंगे ये क्या तब से बक रहे हैं, अभी तक तो ऐसा तो नहीं बताया, इतना लंबा वीडियो हो गया अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं की है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? लेकिन मैं इस कथन को नहीं बताना चाह रहा हूँ। अब ऑप्शन बताइए, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है मैकडूगल का ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो आप ये बताइए क्या मैकडूगल ने ऐसा कुछ कहा था क्या? मैं जब वीडियो स्टार्ट किया तब से अभी तक क्या मैं ऐसी कोई बात बताया कि मैकडूगल ने ऐसी कोई बात चेतना उतना केंद्रीकरण वगैरह ये सब ऐसा कुछ मैंने कुछ बताया क्या? कुछ नहीं बताया ना, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। उन्होंने क्या दिया था? सिर्फ मूल प्रवृत्ति का 14 उन्होंने क्या दिया था? समय दिया था और समय के आधार पर मूल प्रवृत्ति उन्होंने बता दी थी। तो 14 प्रकार के समय हो गए, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हो गई, जिसमें से 7 सकारात्मक 7 नकारात्मक, यही तो बात उन्होंने बताई थी। और अप्रेडा के बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ऊर्जा का परिवर्तन होता है, बस यही तो बताया था, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है मैकडूगल का कथन हो ही नहीं सकता।
अब देखिए मैक पढ़ रहे हैं आप मैकडूगल, लेकिन मैकडूगल से क्वेश्चन पूछा नहीं, फिर भी मैकडूगल से वाला क्वेश्चन आप कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा हुआ है यूज इन एलिमिनेशन, जो पॉइंट नंबर 7 आपका है यहाँ पर, आप देखेंगे यूज इन एलिमिनेशन मैंने इसीलिए रखा है कि अगर आप इसको ठीक से पढ़ ले जाते हैं तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं, 2017 में आप देखेंगे पूछा तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आप इस वीडियो का इस्तेमाल, इस चैप्टर का इस्तेमाल दो क्वेश्चन में कर पा रहे हैं, एक में आप एलिमिनेशन के तौर पर कर पा रहे हैं। भाई मैकडूगल को तो जिंदगी में नहीं मारेंगे, मैकडूगल तो है ही नहीं, एकदम कंफर्म आप हो गए। अब तीन ही ऑप्शन बचा, तो अब आपकी जो सही होने की फ्रीक्वेंसी होगी, जो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई एक तो ऑप्शन कट गया, बाकी तीन ही है, तो तीन में से कोई ना कोई ये सही हो ही जाएगा। तो आप देखेंगे यूज इन एलिमिनेशन मैंने इसलिए रखा है कि आप इस तरीके से जिसमें मैकडूगल दे दे, ठीक है, मैकडूगल दे दे ऑप्शन में, इसमें से कोई एक वर्ड दे दे ऑप्शन में, इसमें से कोई एक वर्ड दे दे ऑप्शन में, तुरंत समझ जाइए क्या इसमें से वीडियो में से कोई ऐसी बात वहाँ पे कही जा रही है। अगर नहीं कही जा रही तो वो ऑप्शन पहले ही कट मार दीजिएगा। आप यूज इन एलिमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल एलिमिनेशन के अंदर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शन को कट करने के लिए भी कर सकते हैं। मैं बस ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा था। अब आते हैं 2018 के क्वेश्चन पर, 2018 का 22 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं टाइम आपकी ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ, हो सकता है कुछ लोग मुझे इरिटेट हो रहे हो कि कब से पढ़ा रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप टाइम देंगे किसी चीज़ पर तभी जा करके वो चीज़ आपको टाइम देगी, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। और आप सोचेंगे एक सेकेंड के अंदर कोई चीज़ तैयार हो जाए, तो तैयार नहीं होगा, ठीक है। जो दो घंटे की चीज़ है उसको आप दो मिनट में तैयार करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो अगर याद हो भी गई रट्टा मार के तो एग्जाम में जा करके 100% भूल जाएगी। ये लिख करके ले लीजिए, उससे 100% ऐसा होगा और होता भी होगा, आपको महसूस किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, 2018 का क्वेश्चन नंबर 22, अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखिए क्या कुछ है, अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, आप बताइए। ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मेरे को, प्रत्याशा जैसा मैंने तो कुछ नहीं बताया था कि प्रत्याशा क्या होता है, अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था, और ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में दिया हुआ विक्टर ब्रूम, हर्जबर्ग, स्कीनर, और ऑप्शन नंबर बी है मैस्लो। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो मैं कभी से बता रहा हूँ कि मैस्लो नाम के भी एक वो हैं मनोवैज्ञानिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर बिलोंग करते हैं, जो इस चैप्टर के अंदर क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। तो आप बड़े आराम से इनका इनको अगर टिक मारना चाहेंगे तो मैस्लो मार सकते हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ब्रूम भी, ये जो ऑप्शन नंबर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन ब्रूम भी आप देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, देखिए ये क्वेश्चन पूछा कैसे है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, पूछा है अभिप्रेरणा से। तो मैं इसको मैं पहली बार तो टिक कर देता हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो अभिप्रेरणा से पूछा गया 2018 के अंदर, तो अभिप्रेरणा वाले वर्ड से पूछा गया है 2018 के अंदर आपसे क्वेश्चन। लेकिन याद रहे वो सिर्फ अभिप्रेरणा वर्ड का इस्तेमाल किया है, बाकी ये जितने कॉन्सेप्ट है इसमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्का दुक्का क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2011 से लेकर के अभी तक सब इसी में से आ रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया जो इन सभी के बाहर है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे मनोवैज्ञानिक इस चैप्टर के अंदर जैसे मैस्लो हो गए, ब्रूम हो गए, ठीक है, और एक दो जो लोग हो गए, तो वो उन सब से भी पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि कभी कभार उनको भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब उनको भी थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैं उन पर भी आने वाले समय में वीडियो जब बनाऊंगा तब ब्रूम को मैं जब कवर करूंगा तब मैं यहाँ पर लूँगा। हालांकि अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे अब क्रीडा वाले चैप्टर से यहाँ पर भी पूछ लिया है, वो जब मैं बताऊँगा तब मैं बताऊँगा कि ब्रूम ने ही अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था, क्यों दिया था, कैसे दिया था और क्या उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ था। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखें कि प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था, ब्रूम ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर आप लोग बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन अभी अगर देखा जाए सबसे हार्ड भी एक ही क्वेश्चन अभी तक आया है, और वो है आपका ब्रूम वाला, क्योंकि वो थोड़ा अलग हो ही गया था, वीडियो से अलग पूछा हुआ था, हालांकि था अपने चैप्टर से, ठीक है। ये हो गया आपका 2019 के, अगर हम लोग बात करें 2019 में दो क्वेश्चन पूछ लिया भाई, 2019 या 2020 का पेपर कर लीजिए, चाहे 2019 का कहीं चाहे 2020 का, क्योंकि 2019 में फॉर्म अप्लाई हुआ था और 2020 जनवरी में पेपर हुआ था। तो 2020 जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो 12 और 29 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर और 29 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 12 नंबर का देखिए क्या है, सॉरी 12 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है वो दूसरा है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और वो है 29, 12 नंबर का क्वेश्चन दूसरा है, उसको मैं किसी दूसरे वीडियो में करवाऊंगा। 29 मतलब एक ही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया था। देखिए अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं,
सीधे सीधे यहाँ से उठा करके पूछ लिया मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ कि मैकडूगल ही है। तो आप देखेंगे मैकडूगल यहाँ से हो जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन भी आपका 2017 और 2017 के बाद 2020 में लिखता हूँ, क्योंकि पेपर 2020 में हुआ था। तो आप देखेंगे दो इसी सेम चीज़ को आप देखेंगे यहाँ पर रिपीट करके आपसे पूछ लिया 2020 में भी और 2017 में भी। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ये रही इसकी पूरी पूछने की फ्रीक्वेंसी, और ये जितने भी है ये सब के सब अभी प्राइमरी टेट के हिसाब से, पूरा प्राइमरी टेट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। ये प्राइमरी टेट के हिसाब से मैं अभी आता हूँ जूनियर के ऊपर, तो मैं बताऊँगा जूनियर में कौन से टॉपिक से कब कब क्वेश्चन को पूछा गया है प्राइमरी है, ठीक है। मैं पी लिख देता हूँ, पी का मतलब प्राइमरी आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जूनियर पर आ जाते हैं, प्राइमरी का पेपर आपका खत्म हो गया। अब हम लोग तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ आपका खत्म हो चुका है। इसमें आ जाते हैं 2000 कहाँ से स्टार्ट है 2013, ठीक है। एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे, ठीक है, मिल गया 2011, ठीक है। टेट जूनियर टेट 2011, जूनियर टेट 2011 की कहानी देखिए, तो जूनियर टेट 2011 में 2 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सॉरी, 4 नंबर और 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैंने उल्टा देख लिया था, 2020 का मैंने देख लिया था, ठीक है। 2011 में 4 नंबर और 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 2011 जूनियर टेट। आपसे जितना भी सेट आ रहा है आपका प्राइमरी टेट खत्म हो गया, अब जूनियर टेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जूनियर टेट में आप देखेंगे 2011 से लेकर के 2020 तक के अभी तक के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कब कब पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अपग्रेडित करना उचित है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी आपको आ चुका है, प्राइमरी टेट में भी आप देखे थे पूछा हुआ था। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अपग्रेडित करना उचित है, पहला ऑप्शन चुने गए अध्ययन के द्वारा, दूसरा है प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, तीसरा है गहन अध्ययन के द्वारा, और चौथा है सस्वर अध्ययन के द्वारा। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। इसमें तो ऑप्शन थोड़ा सा आपको हार्ड कर दिया क्योंकि जूनियर टेट है, थोड़ा सा हार्ड इसमें आएगा ही, आपको चीज़ें स्ट्रेट भी आएंगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको बताने की कोशिश करिए कि इसका क्या होना चाहिए, चुने गए अध्ययन के द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, या गहन अध्ययन के द्वारा, या फिर सस्वर अधिगम के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे अध्ययन नहीं, यहाँ पे अधिगम के द्वारा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा फटाफट बता दीजिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए जल्दी से, या वीडियो को रोक करके भी आप लोग इसमें आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, पहला है चुने गए, अब यहाँ पे पूछा है कैसे अपग्रेडित करना उचित होगा। अगर आपको किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करना है तो आप कैसे करेंगे, फिर से सोचिए कैसे करेंगे। तो क्या चुने गए अध्ययन के द्वारा, चुने गए का मतलब सिलेक्टिव, आप बस कुछ सिलेक्टिव लेकर के आएंगे, हाँ इतनी चीज़ें पढ़ानी, पढ़ा करके चले जाएंगे मोटिवेट हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरी बात प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, तो प्रासंगिक अध्ययन का भी मतलब होता है बस प्रसंग टाइप का, आप उसको ऐसे मान लीजिए समझ लीजिए प्रसंग टाइप का आप उसको सुना देंगे, क्या वो मोटिवेट हो जाएगा, नहीं होगा। सी वाला है गहन अध्ययन के द्वारा, एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग आकर के कन्फ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, पूछा है गहन अध्ययन के द्वारा और डी वाला बोला है सस्वर अध्ययन के द्वारा, ठीक है। सस्वर का जनरली मतलब होता है प्रवचन अनुवाद और पठन, प्रवचन अनुवाद करना और उसको पढ़ना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को पढ़ करके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं प्रवचन करने का मतलब होता है पहले उसको प्रवचन टाइप का सुनाना, सुनाने के बाद उसका अनुवाद बताना, ठीक है, और इसके बाद पढ़वाना। तो ये होता है जनरली सस्वर का, सस्वर का ये मीनिंग होती है। जबकि आप देखिए यहाँ पर गहन अध्ययन, तो गहन अध्ययन से क्या रुचि पैदा होती है या कोई मोटिवेट होता है क्या, यहाँ पे आप लोग आकर कन्फ्यूज हो सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन तो सही होना चाहिए इसके हिसाब से। अगर कोई बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करता है तो क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगा पूरे दिन, अरे हमको आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करता है, बहुत ज़्यादा अगर डीप में भी जाता है तो वो और बोर हो जाएगा, हाँ ये आप बोल सकते हैं उसको ज्ञान ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन वो मोटिवेट नहीं होगा, ठीक है। मोटिवेट तब होगा कि उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें दी जाएँ, जैसे सस्वर अधिगम, सस्वर अधिगम अगर दिया जाए तभी जा करके वो मोटिवेट होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, वैसे उसका हमारा पूरा दिया हुआ है, ये हो गया। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि यहाँ से पूछा है, और दूसरी बात ये पूछा कहाँ से है, तो आप देखेंगे अभिप्रेरणा वाले टॉपिक से, यानी कि यहाँ से पूछ लिया है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, फिर स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा फटाफट, तो आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक, क्या वर्ड यूज किया है, तो वर्ड यूज किया है ना इन्होंने अभिप्रेरित, अभिप्रेरित इन्होंने यूज किया है। तो मैंने बोला था अनप्रेरित या फिर अभिप्रेरित, दोनों से मैं भी आप मान लीजिए। यहाँ से जूनियर टेट में आप लिखता हूँ जूनियर टेट, तो जूनियर टेट में पूछा है 2011 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम इसमें बात करें,
तो दूसरा क्वेश्चन आपसे 2011 में 24 नंबर का पूछा है, और 24 नंबर पे देखिए क्या है। 24 नंबर पे है, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थी को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? देखिए अगर सही से देखा जाए ना, यही इसका टाइप ज़्यादा पूछा जाने का है कि कोई भी शिक्षक किसी विद्यार्थी को किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है, इसी पर घुमा घुमा के जलेबी की तरह से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये आपको ठीक तरीके से कई जगह से तैयार कर लेना है। लेकिन नेक्स्ट क्या पूछा है, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है ऑप्शन नंबर 1, पुरस्कार दे करके। देखिएगा मैच हो रहा है कि नहीं इसमें से, पुरस्कार दे करके। दूसरा है सही मार्गदर्शन दे करके। तीसरा है उदाहरण दे करके। और चौथा है कक्षा में भाषण दे करके। आपको बताइए कि कैसे मोटिवेट कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये चीज़ पढ़ी नहीं है, इस वीडियो को जो देख पढ़ करके नहीं गया है और जो कॉमन सेंस लगा करके अगर करना चाहेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो गलत करेगा। क्योंकि अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे, देखिए क्या है, कक्षा में, मैं डी ऑप्शन से शुरू करता हूँ, कक्षा में भाषण दे करके। आप ये भी सोच सकते हैं यार ये भी तो सही होना चाहिए कि अगर जा कर के भाषण दिया जाए, बहुत गजब का, जैसे नेता लोग क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया भाषण तैयार करवा के लेके आते हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि जो पूरी जनता होती है मोटिवेट हो जाती है, उनकी दीवानी हो जाती है। तो आप बोलेंगे ये भी सही होना चाहिए। बी वाला, अगर आप सी वाले की बात करें तो उदाहरण दे करके, आप बोलेंगे ये भी यार सही है कि अगर कोई चीज़ समझाना हो, बताना हो, तो आप एग्जाम्पल दे दे करके समझाइए, तो वो आदमी मोटिवेट हो सकता है। लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो सही मार्गदर्शन करा करके, आप बोलेंगे ये भी तो सही हो सकता है, अगर किसी को सही मार्गदर्शन दिया जाए तभी वो मोटिवेट होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सीधे से देखिए इसमें से मैच कौन सा हो रहा है, मैच हो रहा है पुरस्कार। क्या मैच हो रहा है? पुरस्कार। यहाँ पे देखिए दिया है पुरस्कार दे करके। जब आप पुरस्कार किसी को देंगे किसी काम के लिए, तब वो मोटिवेट होगा, बाकी काम भी मोटिवेट नहीं होगा। हाँ, वो एक अच्छी दिशा में चल सकता है, कुछ प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन मोटिवेट नहीं होगा, अभिप्रेरित नहीं होगा। याद रहे, क्लियर है मेरी बात? शायद आपको समझ में आ पा रही होगी। तो नेक्स्ट अगर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे जो पूछा था जूनियर टेट के अंदर, यहाँ पर मैं जूनियर टेट बना देता हूँ, जूनियर टेट के अंदर पूछा था 2011 के अंदर ही, जूनियर टेट 2011 में आपसे पूछ लिया था। तो याद रखेंगे, एक यहाँ से पूछा था, एक यहाँ से पूछा था। तो ये भी आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। सेम वही चीज़ जो 2013 में पूछी गई थी, जूनियर टेट के 2011 में पूछी गई है। आगे देखिए, ये डेटा आपको बहुत कुछ बताने वाला है, बस अभी आप लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है लास्ट में भी। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका 2011 के बाद 2013 में जो पेपर हुआ था, और 2013 में, 2013 का कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 ही है ना, क्वेश्चन नंबर सही 18 नहीं है, 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है मैस्लो की। देखिए मैस्लो से पूछ लिया है, इसलिए मैंने इसको रखा है, क्योंकि देखिए एक तो अभी ब्रूम से पूछा हुआ था, एक अभी मैस्लो से पूछा, मैस्लो से दो क्वेश्चन पूछ चुका अभी तक, ठीक है। तो मैस्लो को भी आप इसी में इंक्लूड करते चलिए, आपका तैयार लगभग हो जाएगा। मैं किसी अलग वीडियो में इसको कभी लूँगा, हालांकि यहाँ से मैंने बोला ना इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आते हैं बाकी टॉपिक से, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड इसमें नहीं किया है। तो मैस्लो की अवग्रेडा का सिद्धांत कहा जाता है, मैस्लो का अवग्रेडा का सिद्धांत कहा जाता है, तो आप बताइए किसको कहा जाता है। हालांकि मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, शारीरिक अभी तो आप इसको बताया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा का सिद्धांत या अंतर्बोध का सिद्धांत। तो इनका जो है आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का जो है आवश्यकता का सिद्धांत है। मैं कभी इसको पढ़ाऊँ तो बताऊँगा, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि अवग्रेडा वाले चैप्टर से आप देखेंगे यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछा है, बस दूसरे साइंटिस्ट को इंक्लूड करके, दूसरे मनोवैज्ञानिक को इंक्लूड करके यहाँ पर पूछा गया है, एक दो बार मैस्लो से और एक दो बार आप देखेंगे ब्रूम से। अभी मैस्लो आपको और देखने के लिए मिलेंगे, तो ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे अवग्रेडा से था ना, तो मैं इसको भी लिख ही देता हूँ। जूनियर टेट में आप देखेंगे 2013 में, जूनियर टेट के 2013 में अवग्रेडा से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, अवग्रेडा से क्वेश्चन पूछ लिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे है 2013 और 2014, 2014 पर आ जाते हैं। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ए 1 है और 26 है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से, फिर से देखिए आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य वाला टॉपिक जो आपका है मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ से फिर से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बोला है नहीं है, ये नहीं बोला कि है, तो नहीं पे आप लोग फोकस करिएगा। और सेम क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि सीटेट 2012 में भी, नवंबर वाले में, नवंबर सीटेट 2012 में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा हुआ था। अभी मैं उसको फिर से वहाँ पर करवाऊँगा।
तो ये देखिए आप आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए क्या सही नहीं है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर एक वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, पहली बार। दूसरा वे सफल, वे हमेशा सफल होते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप इसको भी अतिवादी में ही ले लीजिए कि हमेशा बोल दिया है, वे हमेशा सफल होते हैं। और सी है वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। अब आप खुद कॉमन सेंस लगा करके बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। फिलहाल के लिए मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, एक अतिवादी शब्द इसमें इस्तेमाल कर लिया है हमेशा। हमेशा क्या है? एक अतिवादी शब्द है कि हमेशा। आप बोले कि मैं तो हमेशा पास हो जाता हूँ, मैं सभी एग्जाम में पास हो जाता हूँ, तो ये आप अतिवादी कर रहे हैं, मतलब अति कर रहे हैं आप। ठीक है, तो अतिवादी शब्द ये भी आप कहोगे तो एक ऑप्शन तो आप काट दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका भी नहीं हो सकता। अभी ध्यान से देखिएगा क्या ये ऑप्शन नंबर भी सही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही तो पूछा था आपसे, गलत एक तो पूछा है, वही तो पूछा कौन सा नहीं है, तो आप देखते ही बता दीजिए। क्योंकि मैंने बोला है पहले से कि अतिवादी शब्द अगर इस्तेमाल हो जाए तो आप तुरंत समझ जाइए वो ऑप्शन गलत है, वो चीज़ हो नहीं सकती। ऑप्शन गलत का मतलब है कि वही गलत ही तो आपसे पूछा है, पूछा कौन सा नहीं है। अगर ऐसा पूछता कौन सा है तब तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, वाला नहीं होता। लेकिन पूछा कौन सा नहीं है तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हमेशा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखेंगे वे हमेशा सफल होते हैं ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई मोटिवेट है, आप अगर मोटिवेट बहुत ज़्यादा हो तो क्या है? आप अगर बहुत बढ़िया से अगर मोटिवेट कर दिया जाए तो क्या आप एग्जाम को निकाल लेंगे? इसकी गारंटी है? इसकी गारंटी नहीं है। तो भी हाँ, आप सफल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सफल ही हो जाएं, असफल भी हो सकते हैं। तो मोटिवेटेड लोग भी असफल होते हैं, तो हमेशा सफल नहीं होते हैं। तो कुल मिला के ये बात है कि अगर कोई आंतरिक रूप से अप्रेरित अगर है, अंदर से अगर कोई अप्रेरित, आप बोलेंगे हम तो अंदर से हैं, बाहर से थोड़ी कोई ऐसे पुरस्कार दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कोई ट्रॉफी खिला दिया तो मोटिवेट हो गए और जाकर के चाँप एकदम पढ़ने लगे और निकाल लिए, ऐसा नहीं है। तो आप बोलेंगे हम तो अंदर से मोटिवेटेड हैं, हम तो हमेशा सफल होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। कोई आंतरिक रूप से अगर होगा तब भी वो सफल नहीं होगा। तो आप देखेंगे दोनों से ही पूछा है, अतिवादी शब्द को भी मैं ले लेता हूँ। ये आपका है 2014 और जे टेट है, और आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं आंतरिक से भी पूछ लिया है। सेम टू सेम क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर भी शामिल कर दे रहा हूँ कि दोनों ही टॉपिक से मैच हो रहा है। 2014 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, अतिवादी पर आप बोल लीजिए या फिर इस पर बोल लीजिए, ये आपका सही हो जाता है। लेकिन बाकी अगर आप ऑप्शन देखें वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो अगर मोटिवेटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा उसकी रुचि रहेगी किसी काम में, तो उसमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी झेल सकता है। दूसरा है, तीसरा है वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, ऑब्वियस ही बात है अगर रुचि रहेगी तो मज़ा तो आएगा ये काम करने में। ऑप्शन नंबर डी अगर बात करें वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी तो उसमें कितना ही आप उस काम के अंदर उनको कितना ही बड़ा काम दे दीजिए, कितना ही बड़ा टास्क दे दीजिए, पूरी अपनी एनर्जी लगा करके उसमें ताकत लगा करके काम को करेंगे, पढ़ाई करेंगे अगर मुझे पढ़ाई के अंदर उनकी रुचि है। तो आगे बढ़ जाते हैं इसमें 2014 के बाद आ जाते हैं 2016 में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे पीछे 2016 फरवरी 2016 फरवरी 2016 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ लिया था, कोई नहीं पूछा था, सॉरी फरवरी 2016 में तो कुछ नहीं पूछा था, दिसंबर 2016 में भी कुछ नहीं पूछा था, ना ही फरवरी में पूछा था, मैंने आपको डेटा भेजा था, ना ही फरवरी में पूछा था और ना ही दिसंबर में पूछा था। 2016 जूनियर में ना ही फरवरी और ना ही दिसंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा है। सीधे आ जाते हैं 2017 पर, 2017 में क्वेश्चन नंबर 13 और 30 ठीक है, देखेंगे आप पूछा मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, ध्यान से देखिएगा मैकडूगल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का या फिर चिंतन का। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मूल इन्होंने क्या दिया था, मैकडूगल ने क्या दिया था, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति इन्होंने बताया था, और 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो 14 ही प्रकार की संवेग से संबंधित होती हैं, यानी कि 14 प्रकार की संवेगों से ही उत्पन्न होती हैं आप बोल सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ऑप्शन आप देखते हैं फट से टिक कर सकते हैं कि हाँ ये तो ठीक है कि इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन आपका संवेग वाला है वही सही है। ठीक है, ये डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन मैकडूगल से पूछ लिया था, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये पूछा है 2017 में। तो मैकडूगल से जो सीधे सीधे जूनियर टेट में जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जूनियर टेट में जो पूछा है 2017 के अंदर मैकडूगल से क्वेश्चन आपका पूछ लिया है। कि लास्ट में मैं भी दिखाऊंगा फिर से, चलिए 2017 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा है 13 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन पर आइए, देखिए फिर से वही पूछ लिया, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है
जो पाई जाती है, पूछा है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, पहला मनुष्यों के अंदर, दूसरा सॉरी पहला केवल मनुष्यों के अंदर, दूसरा है केवल बिल्लियों के अंदर, और तीसरा है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, और डी वाला है केवल कलाकारों में। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है अतिवादी शब्द केवल आपको दिखाई दे रहा है, तो केवल 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 अगर आ गया तो आप तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट मार दीजिए। जब तीन ऑप्शन आपने ऐसे ही कट मार दिया तो सी वाला आपका वैसे ही सही हो जाता है। अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तभी आपका सही हो जाता है। दूसरा ट्रिक देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि सभी प्राणियों में, देखिए यहाँ पे परिवर्तन क्या, ये जो मोटिवेशन है सॉरी पूछा मूल प्रवृत्ति जो है, यानी मूल प्रवृत्ति में जैसे मैंने दो का नाम बताया था, कामुकता मैंने बताया था, संतान की प्राप्ति, तो ये बताइए कौन सा ऐसा जीव जंतु कौन सा ऐसा है नहीं जो संतान नहीं चाहता है, जो पैदा नहीं करता है कुछ ना कुछ, है ना, जो अपने बच्चों को पैदा नहीं करता है, कौन सा ऐसा कीड़ा मकोड़ा से लेकर के कुछ भी जीव जंतु आप देख लीजिए कौन नहीं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे जब पैदा करते हैं, पेड़ पौधे कहाँ से उगते हैं, उनके बीज से उगते हैं, तो जब पेड़ पौधे जब पैदा करते हैं तो अभी इसी बात, इसका मतलब उसके अंदर मूल प्रवृत्ति तो पाई जाती है ना, मूल प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है, और मूल प्रवृत्ति पाई जाती है तो संयोग भी पाया जाता है। तो यही बात यहाँ पे है कि सभी प्राणियों में ये सही बात है तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। आप जानते हैं कि ये जन्मजात भी हो सकती है, आंतरिक और बाह्य की अगर हम बात करें तो आंतरिक का मतलब जन्मजात और बाह्य का मतलब बाहर से भी हो सकती है, तो जन्मजात हो सकती है या फिर प्राकृतिक हो सकती है, तो ये भी बात बिल्कुल एकदम सही है। तो सी वाला ऑप्शन वैसे भी आपका सही हो जाता है। तो ये अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो कहाँ से पूछा है, आप देखेंगे जूनियर टेट 2017 आप देखेंगे यहाँ से मैच हो रहा है 2017 में, और यहाँ से भी आपका मैच हो रहा है, ये देखिए 2014, और मैं इन्हीं पर आगे बढ़ा देता हूँ 2017, इन्हीं शब्दों में से कोई एक शब्द से ऐसा मैं मान लेता हूँ पूछा हुआ है। अब आते हैं 2018 में, देखिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है 2018 में, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब सीधे आती है 2020 में दो क्वेश्चन पूछा है, और 2020 में दो क्वेश्चन कौन सा है, तो पहला है दूसरा ही क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा एक संवेग है, फिर से सीधे सीधे आपसे मैकडुगल से पूछ लिया है, क्या पूछा है मैकडुगल से, फिर से आपसे सीधे सीधे मैकडुगल से ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो 14 प्रकार के उन्होंने संवेग बताए हैं, जो उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं मैकडुगल ने, उसको बुक में बस एक बार ऐसे अगर आप पढ़ लेंगे ना तो 100% कर ले जाएंगे कि हाँ यही होगा। देखिए पहला है स्टिमुलस यानी इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में उद्दीपक, दूसरा है मेमोरी यानी कि स्मृति, तीसरा है आमोद जिसको हम बोलते हैं अम्यूजमेंट इंग्लिश में, और चौथा है अटेंशन यानी कि ध्यान। तो संवेग, देखिए यहाँ पे संवेग पूछा यानी कि अंदर से जो आपके निकलता है, ठीक है, तो वो आप खुद ही सोचिए कौन सा निकलता है, क्या उद्दीपक निकलता है, क्या जो मेमोरी होती है यानी कि जो याद करने की जो क्षमता होती है वो अंदर से निकलती है, ऐसा निकलती है कुछ ऐसा जैसे फील टाइप का होता है, फील जिसको फीलिंग बोल लीजिए, फीलिंग क्या आती है, फीलिंग की वजह से क्या याद होता है, ऐसा नहीं है। ध्यान, जब आप ध्यान लगाते हो क्या उसमें फीलिंग वगैरह संवेग वगैरह का कोई रोल होता है, नहीं होता है। तो आपकी जैसे बात आमोद अम्यूजमेंट आप देखेंगे इसका सही ऑप्शन है, जो 14 प्रकार के हैं मैं आपको बता देता हूँ, भय हो गया, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्मविमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, और सबसे जो लास्टमा वाला है वही है आमोद, वही क्या है आमोद, क्लियर है। तो याद रहे आमोद जो है आपका वही आपका 14वां वाला है, वही आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि आमोद, और आमोद को ही आप देखेंगे ज़्यादा पूछा जाता है, आमोद को आपको ठीक से याद रखना कि आमोद जो है एक प्रकार का संवेग है, जो किसने बताया था, मैकडुगल ने बताया था। मैं आमोद इतनी बार बोल चुका हूँ कि आपको वैसे ही याद हो गया होगा। तो इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी आप देखेंगे पूछा हुआ है सीधे सीधे मैकडुगल से 2020 में भी जूनियर टेट की अंदर। अब आ जाते हैं सीधे सीधे सी टेट पर, ये भी आपका काम खत्म हो गया, अब आते हैं सीधे सीधे सी टेट पर, और सी टेट में चलते हैं 2011 में फिर से एक बार। सीटेट 2011 में चलते हैं फिर से बाहर, सीटेट 2011 में क्वेश्चन नंबर छः देखिए कैसे पूछा है सीटेट के अंदर आपसे 2011 में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए मैंने बोला था ना
ये क्वेश्चन रिपीट किया है आंतरिक वाला, तो देखिए जूनियर टेट 2011 में ये रिपीट करके फिर से पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी कि आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सेम ऑप्शन भी रखा, सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट करवाया। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपसे मैंने डिस्कस किया था, इसमें सेम वही ऑप्शन रखा है कि वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, सही बात है। वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, सही बात है। तो वे हमेशा सफल होते हैं, तो हमेशा वाला आप देख सकते हैं फिर से यहाँ से पूछ लिया है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे फिर से आंतरिक बोल लीजिए या फिर ये बोल लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीटेट कौन सा 2011, और यहाँ पर मैं बोल लेता हूँ अब सीटेट 2011 बोल लेता हूँ, ठीक है। तो सीटेट 2011 में पूछा है यहाँ से भी, और यहाँ से भी दोनों को मिक्स करके आप बोल सकते हैं एक एक क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये हो जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन, और इसके आगे की बात करें 2012 के, 2012 जनवरी 2012 में भी एक क्वेश्चन पूछा है, पहला वाला ही सीधे चलते हैं। जनवरी 2012 में पहला वाला ही क्वेश्चन पूछा है आपसे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार, पूछा है आपसे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार। अब अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश लगाया है के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है, संवर्धित का मतलब प्रोत्साहित एक तरीके से भी आप यहाँ पे समझिए, प्रोत्साहित आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। तो आप ये बताइए कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश लगा करके के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएँ रखना या अपेक्षा रखना। ऑप्शन नंबर बी है अपेक्षाओं का एक रूप, सॉरी अपेक्षाओं का एक रूप स्तर तैयार करना या स्तर रखना। सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। तो पहली बात, तो अब आप इसमें से पहले उसको निकालिए जिसके पास अतिवादी शब्द हैं। तो आप देखेंगे क्या दिया है, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को पहले ही कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे रखा है बहुत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा अत्यधिक बोल लीजिए चाहे बहुत बोल लीजिए, बात एक ही है। अत्यधिक बोलिए चाहे बहुत बोलिए, बात तो एक ही है। यहाँ पर देखिए बहुत, तो चाहे अत्यधिक बोलिए चाहे बहुत बोलिए, बात वही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका पहले कट कर दीजिए क्योंकि इसमें बहुत बहुत उच्च, उच्च तो बोला ही है, उच्च तो बोला ही है, बहुत उच्च बोल दिया है, तो यहाँ पर अतिवादी शब्द हो गया, इसको पहले ही आप कट मार दीजिए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ से क्या पूछा है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखना, ये तो पूरी तरह से निगेटिव में लेके चला जा रहा है। भैया किसी से कोई अपेक्षा ही मत रखो, जो उनका मन करे वो करे, जो उनका मन करे ना करे, तो कि भी आपका ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो विद्यार्थियों का एक रूप स्तर रखने, ठीक है, सॉरी अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, तो इसको आप उसमें बैठा करके जरा देखिए क्या सही बैठता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, बैठ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। पहली बात, एक रूप स्तर रखना यानी कि जितने भी आपके, मान लीजिए आप टीचर हैं, आप किसी क्लास में जाते हैं, क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट को अगर आप एक ही नज़र से देखेंगे तो क्या ये सही है? आप बोलेंगे हाँ, ये तो हम समानता का पालन कर रहे हैं, संविधान में लिखा हुआ कि हमको समान रहना चाहिए, लेकिन क्या ये सही है? उसमें सोच सकता है कोई बालक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा हो पढ़ने में, कोई मीडियम का हो, किसी को कुछ नहीं आता हो। तो इस तरीके की आपको अलग अलग लेवल के एक ही क्लास के अंदर बालक मिल जाएंगे, तो आपको क्या रखना है, एक रूपता, बिल्कुल एक जैसा ही व्यवहार नहीं करना है, आपको स्टूडेंट के हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। या आपको अगर मोटिवेट करना है तो मोटिवेट करने के लिए भी सबको मोटिवेट करने का अलग अलग, यहाँ पे भी वैसे मोटिवेट करने के लिए पूछा है, तो मोटिवेट करने का अलग अलग लेवल होगा। जो बहुत तगड़ा है पढ़ने में, उसको मोटिवेट करने के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा। जिसको कुछ आता ही नहीं है, उससे अगर आप प्रश्न करेंगे तो बता ही नहीं पाएगा, और जब बता नहीं पाएगा तो डीमोटिवेट हो जाएगा, अभिप्रेरित नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पुरस्कार का इस्तेमाल करना है, कोई और दूसरा तरीका आपको इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक रूपता तो नहीं रख सकते क्लास के अंदर, सभी बालकों के लिए आपको अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी मोटिवेट करने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। देखिए लिखा वास्तविक अपेक्षा, मतलब आप अपेक्षा तो रखिए, आप एक्सपेक्ट करिए कि हाँ अगर मैं कोई होमवर्क दिया हूँ तो लड़के करके आएंगे, घर से करके आएंगे, लेकिन वास्तविक रखिए। आप कोई ऐसा होमवर्क मत दे दीजिए जो कर ही नहीं सकते, या इतना ज़्यादा होमवर्क मत दे दीजिए कई पेज का कि वो कर ही नहीं सकते। आप पता चला 10 पेज का उसको होमवर्क दे दिए छोटे से बच्चे को, क्लास एक के बच्चे को, और आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अगले दिन जब हम आएंगे तो एकदम ऐसे कुर्सी पे बैठेंगे और बैठने के बाद वो लेके आएगा, चेक करेंगे।
ये आपकी अपेक्षा वास्तविक नहीं है, क्योंकि आपने उसको इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है वो वास्तविक रूप में कर ही नहीं पाएगा, यानी कि रियल में वो उतना करना संभव ही नहीं उसके लिए है, वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वास्तविक अपेक्षा रखना है, यानी कि जितना हो सकता है, हाँ एक पेज का, आधा पेज का, दो पेज का, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वास्तविक अपेक्षा हो सकती है कि हाँ ये हो सकता है। तो आप वास्तविक अपेक्षा का मतलब ऐसी अपेक्षा जो पूरी हो सकती है, जैसे आप बोलते हैं वास्तविक इच्छा, आपको वास्तविक इच्छा भी रखनी चाहिए, ऐसी इच्छा जो पूरी हो सकती है। जैसे आप एक इच्छा रख सकते हैं कि हाँ इस बार टेट तो हम क्वालिफाई करके रहेंगे, तो इस बार ये आपकी वास्तविक इच्छा है, हाँ अगर आप चाहें तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं, ये रियल में हो सकता है, या कि रियल अपेक्षा हो गई, वास्तविक अपेक्षा हो गई। आगे बढ़ जाते हैं 2012 आपका कंप्लीट हो चुका, तो 2012 के बाद ये तो हो गया जनवरी का, नवंबर में आते हैं। 2012 नवंबर में क्वेश्चन नंबर 4 और 7 आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 7 की बात करें तो 4 वाला आपसे पूछा आंतरिक रूप से, फिर से देखिए आंतरिक डाल दिया। सीटेट में अगर आप देखेंगे तो आंतरिक वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है, तो सीट में फिर से आंतरिक डाल दिया। आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी क्या करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बोला है कि अगर कोई बाहर से मोटिवेट है तो उसका कम होगा, जो अंदर से मोटिवेट है उसका मोटिवेशन कम होगा, क्या ये सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, जो लोग आंतरिक रूप से मोटिवेट हैं उनके लिए कोई भी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था आवश्यकता नहीं है। हाँ हम ऐसा बोल सकते, चलिए चलिए हम इसको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और डी है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो उसे गलत मारिए जिसमें क्या किया है, जिसमें अतिवादी शब्द का इस्तेमाल किया है। बोला है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी, देखिए बिल्कुल अगर लिखता तो थोड़ा ठीक था, लेकिन बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, मतलब आवश्यकता है ही नहीं, एकदम अति कर दिया। तो एक वर्ड आप इसके लिए लीजिए बिल्कुल भी, आप इसमें एक वर्ड और ऐड कर लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो बिल्कुल भी शब्द का भी अगर इस्तेमाल कर ले तो वो वाला ऑप्शन भी आप बड़े आराम से कट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वो ऑप्शन 100% गलत होने वाला है। तो एक ऑप्शन तो आपने ऐसे ही इलिमिनेट कर दिया ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके कि भाई सी वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर आइए, बी पर विचार करिए क्या ये वाला हो सकता है क्या। आंतरिक रूप से अगर आप अंदर से मोटिवेट हैं, अंदर से आपने कुछ मान लीजिए सोचा, कुछ विचारा और आपके अंदर कुछ ऐसा आ गया, आप मोटिवेट हो गया, मान लीजिए आप अपनी गरीबी के बारे में सोच लिए, अरे यार हम इतने गरीब हैं, एकदम अब एकदम नौकरी ले करेंगे, जल्दी से नौकरी लेंगे, और मेरे मम्मी पापा इतने संघर्ष कर रहे हैं, उनको संघर्ष से निकालेंगे और ये करेंगे, घर बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई बाहर से अप्रेरित है या कोई अंदर से प्रेरित है तो अंदर वाला जो होगा वो ज़्यादा होगा जबकि बाहर वाला कम होगा। याद रखिएगा, अंदर वाला हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर आप अंदर से खुद से मोटिवेट हैं तो आप ज़्यादा देर तक मोटिवेट रह पाएंगे, जबकि अगर आप बाहर से किसी लालच की वजह से अगर मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब में जा रहे हैं तो जॉब में अगर आप बस उसकी फैसिलिटी को देख करके, अभी इतना लाख उसमें मिलेगा, इतनी ये सैलरी उसकी ज़्यादा है, उसमें ये फैसिलिटी है, गाड़ी मिलेगी, है ना, जैसे लोग आईएएस को देख करके ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लगभग ठीक ठाक रहती हैं, सैलरी भी अच्छी रहती है, प्लस एक आपको गाड़ी मिलती है, रुतबा रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसको देख करके बाहर से लोग आकर्षित होते हैं। तो बाहर से अगर आप आकर्षित होकर के चले जाएंगे तैयारी करने तो आप उसमें टिक नहीं पाएंगे, ज़्यादा देर तक आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आप अंदर से मोटिवेट हैं, अंदर से मोटिवेट किस मायने में, अंदर से इस मायने में कि आपको कुछ करना है, जाकर के समाज के लिए बेहतर काम करना है या ऐसा कुछ भी अगर आप सोचते हैं, तो 100% जो होगा ये आपका अंदर का मोटिवेशन ये ज़्यादा देर तक टिका रहेगा और आप टिक करके तैयारी कर पाएंगे। तो आप कभी भी तैयारी किया करिए, पढ़ा करिए, तो हमेशा अंदर से मोटिवेट होकर के पढ़ा करिए, ना कि बाहर से। ठीक है, इस तरीके से, हालांकि बाहर का भी मोटिवेशन काम करता है लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, कहने का मतलब ये। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ बोला था आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा की बिल्कुल ज़रूरत होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। के लिए पुरस्कार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। पुरस्कार का मतलब बाहर से भी मोटिवेट होने की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि अगर कोई अंदर से मोटिवेट है तो बाहर से मोटिवेट होने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट है, क्योंकि वैसे भी आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि सीधे सीधे पुरस्कार से लिंक किया हुआ है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो आप पुरस्कार वाले को सीधे सीधे यहाँ पे लगा लीजिए कि आंतरिक रूप से प्रेरित, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लग गया है कि 2012 में आपसे पूछा गया है आंतरिक वाला जो है आप क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये 2012 आपका नवंबर, ठीक है, 2012 आपका नवंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में उपलब्ध अभिप्रेरणा है दिया है, अभिप्रेरणा से ही क्वेश्चन पूछा है दिया है। उपलब्ध अभिप्रेरणा है, उपलब्ध का मतलब आप जानते हैं कि आप कोई अच्छा काम किए, कोई जैसे मान लीजिए आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगा करके तैयारी कर रहे हैं, आप गए पेपर देने, आपका एग्जाम हुआ, आप गए पेपर देने और पेपर में मस्त एकदम बढ़िया मेरे से आप क्वालिफाई होकर के आए, तो ये जो आप क्वालिफाई होकर के आए यही आपकी उपलब्धि है। फिर क्योंकि आप क्वालिफाई हो गए तो इसका एक और आपको फल मिलेगा कि आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, जब जॉब मिल जाएगी तो ये भी आपका क्या होगी, एक उपलब्धि होगी। तो उपलब्धि प्रेरणा क्या है, अगर आपको उपलब्धि अब मिलेगी तो आप उससे क्या होंगे हो जाएंगे, अभिप्रेरित मोटिवेट हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए आपके सामने अगर किसी आपके किसी दोस्त को या आपके किसी साथ वाले को अगर जॉब मिलती है तब भी आप मोटिवेट हो जाएंगे उसकी उपलब्धियों को देख करके, अरे यार ये तो ये पा लिया, ये तो ये हो गया, ये तो टीचर हो गया, ये तो डॉक्टर हो गया, ये तो इंजीनियर हो गया, ये तो इसमें इसका सिलेक्शन हो गया, उसमें हो गया इसका सिलेक्शन, आप उसकी उपलब्धियों को देख करके भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपलब्धि प्रेरणा क्या है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को समझा दिया, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन इसमें आपको दिया हुआ है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता आ जाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा से। उपलब्धि अभिप्रेरणा से ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। ऑप्शन नंबर बी बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। और ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। और ऑप्शन नंबर डी असफलता से बचने की प्रवृत्ति। अब आप खुद सोचेंगे, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो खुद ही बता देंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। मैं ऑप्शन नंबर एक की तरफ बढ़ता हूँ तो आप देखेंगे दिया है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता आपके अंदर आ जाती है। आप किसी को अगर ऐसे सक्सेस होते हुए देखेंगे, मान लीजिए आपका जो दोस्त है उसका इस बार अगर सिलेक्शन हो जाए, आपका अगर ना हो और उसको जॉब मिल जाए, टीचर वो बन जाए, तो आप उसकी उपलब्धि से क्या करेंगे, आप उसकी उपलब्धि से क्या ये सीखेंगे कि भाई सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करना चाहिए, नहीं आप कहीं वो कैसे सफल हो गया, मैं क्यों नहीं हो पाया, आपके अंदर ऐसा कुछ भाव नहीं आएगा। दूसरी बात ऑप्शन नंबर बी बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति क्या आएगी, क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप दूसरों की उपलब्धियों को देख करके ये तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, अरे भाई वो बिना विचार बिना सोचे विचारे बस ऐसे ही कर दिया, ऐसे जा करके एग्जाम दे दिया और हो गया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो आप ये चीज़ भी नहीं सीखेंगे कि बिना विचारे जल्दीबाजी में कोई कार्य करना नहीं चाहिए, ये आप जानते हैं उपलब्धि के प्रेरणा से आप नहीं सीखेंगे। नेक्स्ट खुद के ऊपर देखिए क्वेश्चन को, आप खुद के ऊपर, मनोविज्ञान इतना बेहतरीन मुझे सब्जेक्ट लगता है कि इसको अगर खुद के ऊपर अगर अप्लाई किया जाए, व्यवहारिक रूप से अगर इसको पढ़ा जाए तो अपने आप आंसर निकल कर आ जाता है। और ऐसा ही अप्रॉक्स सभी क्वेश्चन के ऊपर होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से होते हैं थियोरेटिकल टाइप के तो उसमें ऐसा अप्लाई नहीं हो पाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। अब अगर आपका दोस्त अगर सेलेक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे, आप एकदम बिल्कुल उसको देख करके इतना उसकी उपलब्धियों से इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि इस बार तो नहीं निकाल पाए, अगली बार निकाल करके जरूर दिखाएंगे और आप दोगुनी मेहनत करने लगेंगे उसकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर के। और पूरा इसीलिए लिखा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी। बोल इसलिए डटे रहने की क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाही किया इस बार भी मेरा नहीं निकलेगा, और इस बार भी अगर नहीं निकलेगा तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊंगा, सभी लोग मुझको लूजर बोलेंगे, इस बार भी खुद डिस्क्वालीफाई होगा, इस बार भी नहीं निकला। तो इसका मतलब ये होगा कि आप डटे रहेंगे, आप आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा क्योंकि उसका हो चुका है, उसका अगर नहीं हुआ रहा था तब आप लापरवाही कर सकते थे, चलो उसका भी तो भी नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ तो उसका भी नहीं हुआ, लेकिन अगर उसका हो गया, आपके दोस्त का अगर हो गया, आपके पड़ोसी का अगर हो गया, तो इसका मतलब आप डटे रहेंगे 100% क्योंकि आपके पास फिर कोई चॉइस नहीं बचती है, आपको इस बार लेना ही लेना है किसी भी कीमत पर, नहीं तो फिर आपकी बेइज्जती होने वाली है, सीधी सी बात है। तो आप उपलब्धियों से ये सीखते हैं, आप सी वाला ऐसे ही दिख रहा है, और डी वाला दिया असफलता से बचने की प्रवृत्ति, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि आप असफलता से बचने का अगर प्रयास करेंगे तो कभी मोटिवेट होंगे ही नहीं, इसका मतलब मोटिवेट आप हैं ही नहीं। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सॉरी इसके बाद है 2012 नवंबर के बाद आ जाते हैं 2013 पर। 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2014 फरवरी में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, याद रखिएगा 2014 फरवरी में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था।
और 2014 सितंबर में आ जाते हैं। इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2015 फरवरी में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2015 सितंबर में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2016 फरवरी में एक क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पढ़ जाते हैं। इसलिए 2016 की फरवरी में क्वेश्चन नंबर 24 2016 की फरवरी में क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ से छूट रहा है। सितंबर 2014 का सितंबर जो है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, 29 पूछा गया। इसको कर लेते हैं। 2014 फरवरी का सितंबर में पूछा गया, मैंने सर फरवरी में लिख दिया कि एक कन्फ्यूजन हो गई जब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा था। तो 2014 के सितंबर में याद रखिएगा, 2014 के सितंबर में 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया, जबकि फरवरी में नहीं पूछा गया। लेकिन जब मैं बता रहा था तो ये 29 नंबर में शायद फरवरी में लिख दिया था, जबकि पूछा गया सितंबर में। तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2014 फरवरी में कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन सितंबर में एक क्वेश्चन, वो है 29 नंबर का। उसको देखिए, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है। देखिए क्या पूछा, अभिप्रेरणा चक्र से, मैंने बोला ना कि अभिप्रेरणा, आप देखेंगे इसमें मैकडूगल आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, सीटेट में आपको मैकडूगल कहीं नहीं दिखाई देंगे। अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो आप खुद क्वेश्चंस को देखते जाइए, आपको मैकडूगल सीधे सीधे कहीं नहीं दिखाई देगा। जब भी दिखाई देगा तो अभिप्रेरणा। और अगर आप टेट भी देखेंगे तो टेट में भी एक ही दो बार सिर्फ मैकडूगल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो जब भी पूछा है तो इन्हीं में से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनाया गया है। लेकिन आपने जूनियर टेट का जब क्वेश्चन देखा तो जूनियर टेट में 3-4 बार मतलब मैकडूगल से पूछे जाने की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा, हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जूनियर टेट का, देख लीजिए सब जगह से पूछा गया है, लेकिन यहाँ से भी पूछे जाने की फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो मैकडूगल को आपको बस एक एवरेज पढ़ना है, ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, इन्हीं में से रिलेट करके आएंगे सभी के अंदर। और सीटेट के लिए तो बिल्कुल मैकडूगल को ऐसे ही, अगर आपको नहीं आता तब भी काम आपका चल जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे अभी तक नहीं पूछा हुआ है। देखिए इसमें क्या है, अब प्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम के क्रम में है। देखिए पहला उत्तेजना, दूसरा है प्रबल प्रेरणा, तीसरा है आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार या उत्तेजना में कमी। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। सी ऑप्शन देखिए, आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। नेक्स्ट देखिए डी वाला ऑप्शन, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर आप कभी ऐसा सुने ही होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अगर आपको ये अगर टर्म अगर ठीक से पता है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहले क्या आना चाहिए। आप मोटिवेट होंगे ही क्यों, मान लीजिए आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए आप मोटिवेट हो ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आपकी आवश्यकता है इसलिए आप मोटिवेट हो रहे हैं। पहली बात, अगर जहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी वो काम ही नहीं होगा, पहली बात तो यहाँ से। तो कोई भी काम शुरू ही तब होता है जब आपको उस चीज़ की आवश्यकता होने लगती है। आपको जॉब की आवश्यकता है इसलिए आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ना है तो आपको मोटिवेशन भी लाना पड़ेगा, आपको अप्रेरित भी कहीं कहीं से होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोराय नहीं। तो इसका मतलब है सबसे पहले नंबर पर तो आवश्यकता ही होनी चाहिए, क्योंकि बिना आवश्यकता के तो ऐसा ही काम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो आप पहले ही कट कर दीजिए, क्योंकि इसमें शुरू में कुछ और दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी या तो सही होगा या तो डी आपका सही होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए आपकी आवश्यकता आ गई कि आपको टीचर बनना है, आपको जॉब लेना है क्योंकि आपको ज़रूरत है, ठीक है, आपको जॉब की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आप मान लीजिए आवश्यकता आपके अंदर आ गई, तो आवश्यकता की बात क्या होगा, सी में दिया है लक्ष्य उन्मुखी हो जाएंगे आप, यानी कि अपने लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, यानी कि आप उस जॉब को पाने के लिए को ऐसा ही व्यवहार करने लगेंगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई शुरू कर देंगे फटाफट। और दूसरा ये है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि प्रबल प्रेरणा आपके अंदर आ जाएगी। तो बताइए क्या होगा, क्या पहले आप मोटिवेट होंगे या पहले ही आप पढ़ाई सीधे शुरू कर देंगे रेलम रेल की, अब मेरी क्योंकि जॉब की आवश्यकता है तो मैं एकदम दबा के पढ़ रहा हूँ और जॉब लेकर के रहूँगा। क्या आप ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे।
पहले क्या करेंगे, पहले आपकी आवश्यकता होगी कि मुझे जॉब चाहिए, दूसरी बात आप किसी को देखेंगे मैं कौन सी जॉब लूँ, कौन सी जॉब को ढूंढूँ, किसमें कौन सा मैं कर सकता हूँ, कौन सा मेरे लिए आसान होगा। तो आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे, अपने दोस्तों में नज़र दौड़ाएंगे, चारों तरफ देखेंगे, पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार टीचर वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, माइंस मार्किंग भी नहीं है, आसान सा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो आपके आप क्या हो गए, आप प्रबल प्रेरणा इसे ही लिखा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि मुझको टीचर वाला ही करना, क्योंकि आपके पास हज़ारों जॉब पड़ी हुई है, आप चाहें तो किसी और की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक को छांटना मतलब ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रबल रूप से प्रेरित होंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा उस जॉब से मोटिवेट होंगे। टीचर से मान लीजिए, टीचर को मैं एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, तो इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, इसी की वजह से आपने इसको सिलेक्ट किया है, सबसे नंबर वन पे रखा है कि पहले इसकी मैं तैयारी करूँगा, नंबर दो मैं किसी और की तैयारी करूँगा। तो उम्मीद करती बात आपको समझा रहे होगी, सबसे पहले आप क्या होंगे, आपकी आवश्यकता आएगी, आवश्यकता के बाद आप क्या हो जाएंगे, मोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जबकि ऑप्शन नंबर सी में लिख दिया कि आप तुरंत लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने लगेंगे, इसके बाद जा करके लिखा है प्रबल प्रेरणा आपके अंदर आएगी। तो आप जब पहले जब लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार अगर आप करने लगेंगे तो मोटिवेट होने की ज़रूरत ही क्या है, अगर आपकी आवश्यकता जॉब है और आप क्या करने लगे, आप तुरंत एकदम दबा के एकदम पढ़ने लगे, वैसा ही व्यवहार करने लगे, खुद दबा के एकदम दिन रात पढ़ने लगे, तो आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत ही क्या है, और आप दबा के पढ़ेंगे ही क्यों, जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। आप लोग समझ पाएंगे ऑप्शन नंबर सी तो यहीं पर गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका वैसे ही बिना सोचे समझे सही था। देखिए, अगर आपको ये ना पता हो कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट सही है तो आप गलत करिए, क्योंकि आप गलत करने में आगे हैं, कोई भी आप इंसान देखेंगे गलत ठहराने में आगे होता है ना, दूसरों को अगर गलत ठहराना हो तो एक ना एक कमी निकाल ही देता है, ये हम लोग के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होती है, अगर किसी के अंदर कमी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेपर दे के आए, आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे, बस एकदम एक एक चुन चुन के कमी निकालेंगे, अरे यार तो पेपर ऐसा बना दिया था, ये क्वेश्चन ऐसा डाल दिया था, हार्ड डाल दिया था, मतलब इतने बहाने इतनी कमियां आप गिनवा देंगे कि लगेगा बस भाई एकदम पेपर की ही सारी गलती है, हम तो बिल्कुल एकदम सही है, या सामने वाले कभी अगर गलत ठहराना हो तो हम तो कमी तो निकाल ही देते हैं। तो ये तो यार चार ऑप्शन में कमी निकालना है, चार में से तीन ही निकालना है, एक अपने आप से ही हो जाएगा। तो ये काम आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस टैलेंट का अगर आप यूज करेंगे तो मुझे लगता है आप हर एग्जाम क्वालिफाई करने जाएंगे, अगर आप अपने कमी निकालने वाले टैलेंट को ठीक से अपने अंदर ले आ पाते हैं, ठीक तरीके से अगर आप कमी निकाल पाते हैं, तार्किक रूप से कमी निकाल पाते हैं, तो अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, हाँ कोई सामने वाला ठीक है तब भी आप उसको नहीं तुम गलत, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तब तो फिर मामला गड़बड़ है, लेकिन अगर आप तार्किक रूप से अगर कमी निकालते हैं तब 100% आप हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि करना क्या है, तीन ऑप्शन को गलत कर दो, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीन को हम लोगों ने गलत कर दिया, चौथा अपने आप सही हो गया। हालांकि इसमें हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले आवश्यकता आएगी, फिर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो फिर उत्तेजित होंगे। देखिए, मोटिवेट होने के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रबल और प्रेरित हो जाएंगे तो फिर आप उत्तेजित होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, अरे भाई जल्दी लाओ आपको पढ़ना है, इसके बाद आप एक्साइटेड हो जाएंगे, और एक्साइटेड होने के बाद तब जा करके आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे दबा करके, और इसके बाद जा करके जब पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली बात आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, और जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उपलब्धि हासिल आपको हो जाएगी, और इसके बाद जा करके जब ही आपको जॉब मिली, कुर्सी मिली जहाँ पर एकदम एक बार टीचर वाली, और एक बार आप क्लास में घुसे और सैलरी यानी शुरू हो गई, इसके बाद ठंडे पड़ जाएंगे, क्या पड़ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और यानी कि उत्तेजना में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 29 का बहुत ही आसान था, देखने में तो लग रहा है क्या पूछ लिया, लेकिन बहुत ही आसान सा था, बस आपको कमी निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 के बाद, आगे आप देखेंगे सितंबर 2014 सितंबर में 29 नंबर का क्वेश्चन, बाकी आप देखेंगे 15 नहीं पूछा है, 15 फरवरी में नहीं पूछा है, 15 सितंबर में नहीं पूछा है, 16 फरवरी में 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो आगे बढ़ जाते हैं, 2016 फरवरी में 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, 24 नंबर का देखिए मिल गया। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ये बताइए। अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों को लिया है, अभिप्रेरणा का मतलब आप जान ही गए हैं मोटिवेशन, और अधिगम का मतलब एक तरीके से पढ़ाई लिखाई समझ लीजिए, सीखना समझ लीजिए, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लीजिए, ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर पुरस्कार दे दिया ये वाला सही है, टिक मार दो खट से, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा है। नंबर ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है,
ऑप्शन नंबर सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ऑप्शन नंबर डी आपसे बोल रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से प्रेरित हो। ध्यान से चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर आप इस ट्रिक का सीधे सीधे आँख आँख बंद करके एकदम इस्तेमाल करेंगे तो आप 100% गलत कर ले जाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे सर इसमें दो ऑप्शन तो केवल केवल दे दिया, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बताया जिसमें केवल आ जाएगा वो नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ रहा है ना, क्वेश्चन आपसे उल्टा घुमा के पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है वैसे, ठीक है। हमेशा ये नहीं कि बस केवल देख लिए तो आँख आँख बंद करके मार दो, समझो भी मत क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी नहीं करना है। दूसरा बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में प्रेरणा दिखाई दे रही है, प्रेरणा दिखाई दे रही, तो प्रेरणा अगर दिखाई देती तो इसको टिक कर देते, ये भी ये सही होना चाहिए आपके ट्रिक के हिसाब से। तो भाई पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आप सीधे सीधे देख के टिक नहीं मार सकते। हाँ, अगर तीनों ऑप्शन में कुछ और दिया होता, किसी एक ही प्रेरणा दिया होता, तब हम लोग टिक कर सकते थे, लेकिन देखेंगे आप ये चारों ही ऑप्शन इस ट्रिक के हिसाब से देखेंगे सही हो जाएगा, सिर्फ ट्रिक के हिसाब से अगर देखेंगे तब, लेकिन लॉजिक के हिसाब से देखेंगे सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ए में आप कहेंगे सर इसमें भी पुरस्कार का उपयोग कर लेंगे, पुरस्कार का, तो इसको ही टिक मार देते हैं। तो बिना सोचे बिना क्वेश्चन को पढ़े पढ़े भी टिक मत मारा करिए, थोड़ा सा एक बार रुक करके पढ़ लिया करिए। देखिए क्या है, बोला कि अप्रेरणा और अधिगम में क्या रिलेशन है, अप्रेरणा और अधिगम में क्या रिलेशन है, या उन दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है। पूछा है कि अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। इसका मतलब कि अगर कोई अध्यापक, मान लीजिए आप टीचर बन गए, ठीक है, आप टीचर बन गए, तो आप अगर बाहर से खूब लाला करके स्टूडेंट्स को पुरस्कार देते हैं, लो भाई मैं अगर तुम ये कर दोगे, ये पढ़ोगे तो मैं ये वाला दूंगा ट्रॉफी खिलाऊंगा, ये करोगे तो ये लमचूस खिलाऊंगा, है ना, मतलब इस तरीके से आप अजीब गरीब आप पुरस्कार देते हैं, ठीक है। पुरस्कार अगर आप दे करके रोज लड़कों को पढ़ाते हैं, रोज कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो लड़कों को क्या लग जाएगी, पुरस्कार लेने की लत लग जाएगी। वो जिस दिन आप पुरस्कार नहीं लेके आएंगे, वो सब क्लास छोड़ के बाहर भाग जाएंगे, कहेंगे आज आप नहीं लेके आए हैं, आज हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं, घर में भी अगर आप ज़्यादा चॉकलेट बच्चों को खिलाइए, देखिए आपको रोज़ मांगेंगे सब, फिर आपका 10-20 रुपये रोज आपका नुकसान करेंगे, और अगर आप जिस दिन नहीं देंगे उस दिन जान देने पुतार हो जाएंगे, आप सही बोलेंगे नहीं देंगे शहीद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा उसको चढ़ाया मत करिए, तो ये ऑप्शन आपको ऐसे ही गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो पूरा निगेटिविटी की बात कर दिया, बोला एकदम कोई भूमिका ही नहीं होती है प्रेरणा की, और अभी हम लोग तब से चिल्ला के पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, भाई कितनी ज़्यादा भूमिका है। अगर प्रेरणा नहीं रहेगी तो उसमें रुचि ही नहीं पैदा होगी, रुचि नहीं पैदा होगी तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, ऑप्शन नंबर डी पर ही देख लेते हैं। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है बोल रहे हैं जब विद्यार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो या बाहरी कारणों से प्रेरित हो। बोला जा रहा है कि अधिगम सिर्फ तभी प्रभावित होता है जब बाहरी कारण का मतलब वही पुरस्कार, वही वाला ऑप्शन तो रिपीट कर दिया, ऑप्शन नंबर ए को ही इसमें दूसरे शब्दों में रिपीट कर दिया है। बाहरी कारण का मतलब जब बाहर से कोई देख करके पुरस्कार पा करके, बाहर में देखिए जब बाहर की बात करें ना, तो या तो पुरस्कार को एग्जाम्पल में ले लीजिए, या तो किसी को देख करके मोटिवेट हो जाना, इसको आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, ऐसा कुछ भी आप एक एग्जाम्पल लेकर के सोचेंगे तो आप जो सोच रहे हैं वो सही उसका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ अगर बाहर से अगर कोई मोटिवेट है तभी जाकर के वो ठीक तरीके से पढ़ाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। अंदर से मोटिवेट रहेगा तभी तो करेगा, और अंदर और बाहर दोनों तरफ से मोटिवेट रहेगा तभी पढ़ेगा, तब और बढ़िया पढ़ेगा, तो ये बात तो ऐसे ही आपकी गलत हो जाती। तो देखिए सी वाला ऑप्शन आपका अपने आप सही हो गया, क्योंकि अगर तीन ऑप्शन 100% गलत हैं, इसका मतलब बाकी जो ऑप्शन बच रहा है वो सही होना ही होना है, क्योंकि चार में से कोई एक ही टिक करना है, ठीक, एक सही है ही। तो सी पर आते हैं, सी क्यों सही है इसको भी देख लेते हैं। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ये बात थोड़ी ठीक ज़्यादा लग रही है, ये जो बाहर वाला भी दिया था कि केवल तभी प्रभावित होता है जब बाहर से मोटिवेट सिर्फ हूँ तब से प्रभावित होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर कोई बाहर से मोटिवेट है सिर्फ किसी को देख करके, कोई अगर रिजल्ट आया IAS का और कोई नंबर कोई टॉप कर गया है ना, हर साल कोई ना कोई तो टॉप ही करता है, उसको देख करके एकदम चले गए एकदम रिले UPSC में, आपको UPSC क्वालिफाई करना है, या कोई उनके कोई उनका पड़ोसी टीचर बन गया एकदम पहुँच गए, पहले एकदम टीचर बनना है उनको, तो बाहर से अगर देख करके पहुँच गए तो पहुँच तो जाएंगे सीधे तैयारी करने, लेकिन दो दिन में वापस आ जाएंगे, ठीक है, दो दिन में वापस आ जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो ये बाहर वाला मामला एकदम बिल्कुल गड़बड़ होता है, लेकिन अगर उनके अंदर से इच्छा है कि नहीं हमको बनना है,
हमको बनना चाहिए, तो ये थोड़ी प्रबल इच्छा होती है। ये अंदर से अगर कोई मोटिवेट है तो ये ज़्यादा हाई होता है बाहर वाले से, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए आपका सही हो जाएगा। और आगे लिखा है अंतर्निहित इच्छा हो तो ये वाला ऑप्शन और ज़्यादा सही हो जाता है, क्योंकि जब आप अंदर से बिल्कुल मोटिवेट होंगी, आपकी खुद की इच्छा रहेगी, नहीं इच्छा रहेगी, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं ये मेरी आवश्यकता है और ये मुझे बनना है, तो आप 100% बन के ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका 24 नंबर का हो जाता है क्वेश्चन 2016 फरवरी में। 2016 सितंबर में आप देखेंगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, 16 के बाद 17 में पेपर नहीं हुआ, 18 में आते हैं तो 2018 दिसंबर में जो पेपर एक ही बार हुआ है 2018 में, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। आगे अगर आप पढ़ेंगे 2019 जुलाई में तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है 2019 के जुलाई में, क्वेश्चन नंबर 13 को आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन सा बाह्य अवप्रेरणा का एक उदाहरण, देखिए आंतरिक बाह्य, मैंने बोला था कि सीटेट में आप देखेंगे आंतरिक बाह्य, आंतरिक बाह्य, पिछला क्वेश्चन भी आंतरिक बाह्य था, उसका भी पिछला भी वही था। सीटेट में आप देखेंगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पता है आंतरिक और बाह्य वाला मैटर, तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। और मैं इधर शायद लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा लिख दूँ कि किस किस ईयर में पूछा गया है। जैसे भी आपने देखा कि 2012 का जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 7 देखे थे, उसे हम लोगों ने लिख लिया था। और इसके बाद जो 2014 का है वो भी आप देख रहे हैं, यहीं से पूछा है। 2014 का भी आप देखेंगे आंतरिक और बाह्य से ही मैं लेता हूँ पूछा गया है, जबकि ये वाला भी आप देखेंगे यहीं से पूछा गया है। 2019 वाला भी यहीं से पूछा गया है। तो मैंने बोला था कि आंतरिक और बाह्य से ही आप देखेंगे क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं, किसके, सीटेट के। ठीक है, तो सीटेट अगर आपको पढ़ना है तो एक दो क्वेश्चन एक आपको मिल सकता है। देखिए कभी कभी कोई नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आंतरिक और बाह्य से मिल सकता है। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए इनमें कौन सा बाह्य अवप्रेरणा का एक उदाहरण है, पूछा है इनमें से कौन सा एक बाह्य अवप्रेरणा का उदाहरण है। फिर से बाहरी अवप्रेरणा का बस आपको एग्जाम्पल बता देना। अब आप यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ, ऑप्शन नंबर एक, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। अगर मैं अपना होमवर्क करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सीख लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझको सीखने के लिए मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, मैं अपने कॉन्सेप्ट को, अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं अपने होमवर्क करने से मैं कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझ पाती हूँ, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन नंबर सी है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक प्रदान करते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी को मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। अब आप सोच करके बताइए इसमें से कौन सा बाहरी अवप्रेरणा वाला है। गलत करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए को गलत करते हैं, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। आप बताइए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ करके सीख रहे हैं, तो क्या आप बाहर से मोटिवेट हो रहे हैं? ये तो आपके अंदर सीख रहे, तो आप अंदर से सीख रहे हैं ना, आप खुद से सीख रहे हैं, कोई आपको सिखा थोड़ी रहा है। और वो भी आप खुद से पढ़ करके सीख रहे हैं, कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा है। ये तो आंतरिक वाला मामला हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। ये भी वही बात है कि मैं अपनी अवधारणाओं को खुद से अपने से समझ पाती हूँ, तो ये भी तो इंटरनल मामला हो गया। बाहर से कोई ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, बाहर से जब तक कुछ कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई ऐसी भी चीज़ जब तक उसको प्रोवाइड ना करी जाए, जिसको देख करके या सुन करके या पा करके कोई चीज़, कोई अगर मोटिवेट हो तब तक समझ लीजिएगा कोई बाय नहीं है, तो भी आपका आंतरिक वाला मामला हो जाता है, गलत है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि वह बहुत आनंददायक, ऑप्शन नंबर डी। आनंद आपको कब मिलेगा? आनंद आपको बाहर से मिलेगा क्या? बाहर से कोई आनंद आपको दे सकता है? आनंद जब भी आएगा तो आपको अंदर से ही आएगा। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको आनंद जो आ रहा है, आनंद वाला मामला, वो आपका अंदर से ही आ रहा है, तो ये आपका आंतरिक मामला ही है, तो ये भी तो आंतरिक वाला हो गया, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से सुनिए, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमको अंक प्रदान करते हैं। ये देखिए बाहर से कोई चीज़ मिली कि नहीं मिली, वो होमवर्क, इसलिए आप किसी लड़के को होमवर्क देंगे
और बोले कि भाई तुम होमवर्क करो, होमवर्क कर करो कि तुमको बहुत कुछ इससे सीखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर एक के अकॉर्डिंग वो कहेगा हमको नहीं सीखना है, हम होमवर्क नहीं करेंगे, हमको नहीं सीखना है। और अगर आप ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग बोलेंगे अगर तुम होमवर्क अगर करते हो तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वो कहेगा हमको नहीं क्लियर करना है, ठीक है हमको नहीं क्लियर करना है, हमको होमवर्क मत दीजिए। अगर ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग बोलेंगे बोलेंगे कि मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, बच्चों से अपने बोलेंगे मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ तुम करो क्योंकि तुमको बहुत मज़ा आएगा, होमवर्क करोगे बहुत मज़ा आएगा, बोलेगा हमको कोई मज़ा नहीं लेना है, आप अपना मज़ा करिए हमको होमवर्क मत दीजिए, नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे चार पांच लड़के हैं और आप बोलेंगे कि मैं होमवर्क देता हूँ 10 नंबर का होमवर्क, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा नंबर पाता है, देखते हैं चारों पांच में से कौन सबसे ज़्यादा नंबर पाता है, यहाँ आ जाएगी कंपटीशन की भावना, यहाँ वो लोग नंबर पाने के लिए जी जान लगा देंगे कि हमको फर्स्ट आना है, हमको क्या करना है फर्स्ट आना है, इसके लिए कहेंगे हाँ अब मैं करूँगा क्योंकि हमको नंबर मिल रहा है, हमको होमवर्क के बदले में चीज़ मिल रही है, चीज़ तो ऐसे नहीं मिल रही है क्योंकि नंबर एक तरीके का आप समझ सकते कल्पनाशील चीज़ है तो, लेकिन काल्पनिक चीज़ है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश हो जाएंगे हाँ भाई हमको इतना नंबर मिला, जैसे लगे कुछ ज़्यादा मिल गया है ना। तो ये आप देखेंगे बाहर से मिल रहा है तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था पुरस्कार मिलना, दंड मिलना, और ये किसी में आगे ऐड कर लीजिएगा क्या मिलना, अंक मिलना, इसी में आगे ऐड कर लीजिएगा अंक। अगर आप अंक किसी को प्रोवाइड करते हैं, नंबर अगर आप किसी को देते हैं, तो ये भी एक तरीके का बाह वाला ही सिस्टम होगा, ये भी आपका क्या होगा बाह वाला ही सिस्टम होगा। तो ये वाला सी वाला सर यहाँ पर आपका सही हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहीं से पूछा गया है, इसको मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि ये 2019 में यहाँ से भी क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है यहाँ से भी रिलेट कर दिया है, ये आपका हो गया। अब आते हैं सबसे अपने अंतिम क्वेश्चन पर, और 2019 के दिसंबर में क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ लिया, ये आज के वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आप लोग थोड़े से बोर भी हो गए होंगे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया है, और क्योंकि इतनी चीज़ें डिस्कस करनी थी, आप देख सकते हैं पूरा मैंने टिप डिस्कस किया है, पूरा जूनियर टिप पूरा सी टिप, तो अब ये सी बात है आपको टाइम तो देनी पड़ेगी अगर आपको इतनी मेहनत मुझसे करवानी है, इतनी चीज़ें एक साथ अगर सीखनी है। तो इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या पूछ रहा है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों कौशलों मूल्यों तथा अवप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदारियों क्रियाशील सदस्य बनाती हैं उसे क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें कौशलों मूल्यों तथा अवप्रेरणा को विकसित करते हैं, अवप्रेरणा को भी विकसित करते हैं, देखिए इतनी चीज़ें आदत वगैरह कौशल वगैरह है ना, कौशल मतलब कुछ करने की कुछ सीखना, कोई जैसे टैलेंट सीखना है ना, मैं ये खाना बना लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मतलब ऐसा कुछ ऐसा काम सीखना। मूल्य का मतलब होता है कि आदर्श सीखना है ना, कुछ अच्छी नैतिक चीज़ें सीखना उसको बोलते हैं मूल्य, जैसे प्रणाम करना, सुबह जल्दी उठना, मतलब इस तरीके की कुछ अच्छी नैतिक बातें अगर सीखना तो उसको मूल्य जनरली बोल लेते हैं। और अवप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन सीखना, मोटिवेशन भी सीखना, इसको विकसित करना अपने अंदर, किसी चीज़ को देख करके मोटिवेशन होना या सेल्फ मोटिवेट होना, तो यानी कि अंदर से मोटिवेट होना, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, अगर ये सारी चीज़ें अगर किसी के अंदर हैं तो वह समाज का सबसे जिम्मेदार और सबसे क्रियाशील आदमी माना जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या कहा जाएगा। नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक समावेशन, इसको इंग्लिश में इंक्लूजन बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी मुख्य धारा से जुड़ना, इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम, और ऑप्शन नंबर सी इस वर्ड का आपको ज़्यादातर यूज भी मिलेगा, मेन स्ट्रीम वगैरह। अगर अभी आप लोग कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर आप लोग भाषण सुने होंगे तो उसमें उन्होंने वहाँ पर जो असम में उन्होंने दिया था अभी जल्दी में, असम में उन्होंने जब एक रैली को संबोधित करते हुए बोला था कि नक्सलियों को क्या करना है, जो वहाँ के सॉरी नक्सली नहीं, वहाँ पे नक्सली वर्ड को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने बोला था जो युवा भटक कर गए हैं और जाकर के जंगलों में रह रहे हैं और वो बाद में कुछ तीन पाँच करने का मतलब है कि उल्टा सीधा काम करते हैं, आकर के नक्सलियों जैसा व्यवहार करते हैं, तो वो मुख्य धारा में लौट आए क्योंकि समाज को उनकी ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था, एग्जैक्ट मैं मुझे नहीं याद लेकिन ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था, आप लोग वो वाला भाषा उनका देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदीकरण, और ऑप्शन नंबर डी है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। तो क्या होगा आप लोग खुद से सोच करके बताइएगा, ठीक है
क्या इसका आंसर हो सकता है। ये थोड़ा सा अलग पूछ लिया है, इसमें से आप देखेंगे कुछ ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अगर इतने कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हैं तो आप इसका भी आंसर इनडायरेक्टली दे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जो डायरेक्ट यहाँ से तो नहीं उठाया है लेकिन इनडायरेक्टली जरूर उठा लिया है, इनडायरेक्टली जरूर उठा लिया है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो अगर कोई अप्रेरित होता है या ये सारी, वैसे इसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी नहीं, तीन चार क्वालिटी दे दिया है कि अच्छी आदतें हैं, है ना। अगर कोई बच्चा अच्छी आदतों को सीखता है, अच्छे कौशलों को सीखता है, अच्छे मूल्यों को सीखता है और अप्रेरणा को विकसित कर लेता है अपने अंदर, मोटिवेशन को अपने अंदर अगर विकसित कर लेता है तो क्या होगा, उस कैसा होगा हमारे समाज का, कैसा नागरिक होगा या बहुत ही जिम्मेदार नागरिक होगा, तो उसे क्या कहेंगे, क्या इन्फ्लुएंस समावेशन कहेंगे। तो समावेशन का मतलब होता है पूरी तरह से एकदम विकसित चारों तरफ से कर देना। हालांकि इसको अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ ये तो सही, तो थोड़ा लग रहा है लेकिन ये एग्जैक्ट पूरा सही नहीं है। अगर आप इसमें डिफ्रेंसिएशन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी विभेदीकरण, तो ये तो ऐसे पूरा गलत है, मतलब विभेद करना, पूरे समाज से कट जाना, अलग हो जाना, तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही निगेटिव सेंस वाला है ऑप्शन, इसको गलत मार दीजिए। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें समाजीकरण, समाजीकरण सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये अगर, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर वो सीख रहा है तो इसका मतलब उसको क्या हो, उसका क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन कुछ मिलता जुलता है। अगर ऑप्शन नंबर बी देखिए मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा से जुड़ना, है ना, मुख्य धारा से उसे जोड़ते हैं जो भटक चुका हो, है ना, जो भटक गया हो। और आप देखेंगे इसमें बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों कौशलों वगैरह को सीखते हैं, तो क्या बच्चे भटक गए हैं, नहीं। तो ई वाला ऑप्शन भी आपका, बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और उसका अगर तीन ऑप्शन आपके अगर गलत हो गए तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी आप देखेंगे इसका इस तरीके की चीज़ों से समाजीकरण ही होता है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, अच्छी आदतों को सीखना, कोई कौशल सीख लेना, कौशल का मतलब कोई काम करना सीख लेना, है ना, दुकानदारी चलाना, पहले दुकानदारी चलाना सीख लेना, है ना, कोई वैसा छोटा मोटा काम सीख लेना जिससे आप अर्न कर सकें, कुछ कमावा सकें, उसे बोलते हैं कौशल जनरली। तो एक कौशल सीख लेना, या फिर आप देखेंगे कि क्या लिखा है, मूल्यों को सीखना या अप्रेरणा को सीखना, ये सब क्या है, सब समाजीकरण ही तो है, सोशलाइजेशन ही तो है। तो ये आपका सीधे सीधे यहाँ पे सही हो जाता है अगर आप लोग इतनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे बोलते हैं तो। हालांकि ये बी वाला जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ये इसमें से आप सही सही से देखें तो सीधे सीधे कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। तो इसको, इसमें एक पॉइंट आप बना सकते हैं, एक और इसमें ट्रिक लिख सकते हैं। वो ट्रिक ये कि अगर अगर आपके अंदर अप्रेरणा विकसित हो जाती है तो अप्रेरणा विकसित होने के बाद आप देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, अप्रेरणा विकसित होने के बाद आपका हो जाएगा समाजीकरण। क्या हो जाएगा ये, अगर आगे मान लीजिए कभी रिपीट करता है तो आप लोग बड़े आराम से कर ले जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ समाजीकरण। अगर कभी आपसे किसी ऑप्शन में ऐसे दे करके बोले कि आप ये बताइए कि आपके अंदर अप्रेरणा अगर विकसित हो गई है, आपने अगर अपने अंदर अप्रेरणा को विकसित कर लिया है तो आपका क्या हुआ है, बाकी कुछ भी दिया रहे तो आप बोलिएगा हमारा समाजीकरण हुआ है, हमारा क्या हुआ है, समाजीकरण हुआ है। कोई वाला आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ये आप देखेंगे 2019 या 2020 में जो आपको पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था, ठीक है, 2020 वाला ही है ना, सबसे लास्ट में 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है, 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है, 2019 इसको हम लोग कर लेते हैं, ये पूछा हुआ है। तो ये अब आप जाकर के आपका ख़त्म होता है पूरा का पूरा पेपर, पूरा टेट, पूरा सी टेट, पूरा जूनियर टेट, ये आपका ख़त्म हो गया। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, थोड़ा लंबा बना है मुझे पता है, थोड़ी टाइम ज़्यादा लगी है मुझे पता है, हो सकता है आप लोगों को बोरिंग भी हुई हो ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर धैर्य बना करके यहाँ तक आए हैं तो मुझे पता है कि आप लोग मोटिवेट हैं, जिसको बोले ना अभी आप लोग अंदर से मोटिवेट हैं इसीलिए यहाँ तक आ पाए हैं। अगर आप लोग बाहर से मोटिवेट होते तो अब तक तो पक्का भाग चुके होते या इतना लंबा वीडियो नहीं देखते। इसका मतलब आप अंदर से मोटिवेट हैं और इस बार आपका 100% मैं लिख करके, जो लोग यहाँ तक वीडियो को धैर्य के साथ देख करके आए हैं मैं लिख करके दे सकता हूँ उनका सिलेक्शन पक्का है, इस बार मैं लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है अंदर से, पूरा ज़बरदस्त तरीके से प्रबल अप्रेरणा जिसको बोलते हैं उनके अंदर प्रबल अप्रेरणा विकसित हो गई। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि इतना तक जब मैं क्यों किया, मैं चाहता तो सीधे सीधे अप्रेरणा वाला चैप्टर उठाता, मोटे मोटे जैसे कॉन्सेप्ट होते, जैसे आप कहीं पर एडमिशन लिए होंगे किसी और से, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स आराम से अपना एक चैप्टर तैयार करके आते हैं,
यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, खूब साइंटिस्टों का नाम बताएंगे, मनोवैज्ञानिकों का, उनके अनुसार ये, इनके अनुसार ये, उनके अनुसार ये, फलाने ढिकाने करते करते, और पूरा उसका कॉन्सेप्ट एकदम हेडिंग वाइज पूरे स्टोरी वाइज ऐसे सुना करके आपको चले जाएंगे। ये होता है, आपने भी खूब सुन लिया, और सुनने के बाद दो दिन बाद वो निकल गया दिमाग से, और इसको जब एग्जाम में आया, अभी जैसे एक एक क्वेश्चन ही पूछ किया था समाजीकरण वाला, और अभी आप देखें दो तीन क्वेश्चन और ऐसे पूछे थे जो इन टॉपिक्स की मदद से जाकर के सॉल्व हुए हैं, ना कि डायरेक्ट सॉल्व हुए हैं। अब अगर ये सारे टॉपिक्स वो आपको बताएंगे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं जिनको रिलेट करके करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे ही, आप पढ़ करके देख लीजिएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैंने भी पढ़ा हुआ है, जितने भी आपके फेमस टीचर्स हैं मैंने उन सभी का वीडियो देखा हुआ है ऑलरेडी, उन सभी को मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगा कि ये होना चाहिए, अगर वो फीस लेते हैं मेहनत करते हैं तो उनके पास डेटा होना चाहिए, उनको मेहनत करके आना चाहिए, वो पूरा डेटा लेकर के आए कि जो वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्यों क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे उनको करवाने चाहिए। लेकिन वो सब आप देखेंगे इस तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे, और इसको करने में ना काफ़ी मेहनत लगती है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो 2 घंटे का बना है लगभग, लेकिन ये 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, याद रखिएगा 3 दिन, क्योंकि स्टोरेज मेरा फुल हो जा रहा था, ये तीसरा दिन आया, तीसरे दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन एक ही क्लास के अंदर मैं आपको तीनों वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक ही दिन का वीडियो है या फिर 3 दिन का वीडियो है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए, यही हम लोग का सबसे बड़ा पॉइंट था, और अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर आप बात करेंगे, क्वेश्चन वाला पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सही हो चुका, खत्म हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बोल रहा था ना, यही है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जितना मैंने लिखा हुआ है यही के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें आप देखेंगे तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, बताऊँगा नहीं क्योंकि अभी मैं आप फिर से रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यही सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अगर की मैं बात करूँ तो हाउ टू लर्न इट, कैसे इसको हम लोग याद रखें, तो याद रखने के लिए यही सारे पॉइंट्स। अब देखिए, अब इतना बड़ा आपका चैप्टर है, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर पूछी जा रही है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप बोलेंगे सर क्या हम करें पूरा एकदम, क्या अभी आप जाएंगे प्रेडा वाले चैप्टर में जाकर के वो अब गंगा प्रकाशन उठा करके पढ़िएगा, इतना सारा चीज़ वहाँ पे लिखा गया, आप बोलेंगे सब हमको रटना पड़ेगा, मैगडूवल के अनुसार रटना पड़ेगा क्या होता है, मैस्लो के अनुसार रटना पड़ेगा ये क्या होता है, क्या ये सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट रटे हम लोग, कुछ नहीं रटना है भाई, बस ये रटो, क्या रटो, ये रट डालो बिल्कुल ठीक तरीके से। आप क्या करो, रिवाइज कैसे करो, आप ये हेडिंग डालो, हेडिंग डालने के बाद ऐसे एक लाइन खींचो और पॉइंट नंबर 1 इसमें रुचि, पॉइंट नंबर 2 प्लस, पॉइंट नंबर 3 पुरस्कार अंक या दंड, पॉइंट नंबर 4 इस तरीके से करके सारे पॉइंट्स ऐसे लिखिए बार बार, जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और पूरा रिलेट कर करके लिखिए, है ना, ऐसा नहीं सिर्फ एक एक पॉइंट में अभी बता रहा हूँ। जैसे आप लिखिए अप्रेडा, अप्रेडा के बाद जब आप पहला पॉइंट लिखेंगे तो ऐसे लिखिए कि अप्रेडा से क्या पैदा होती है, रुचि पैदा होती है, रुचि कैसे पैदा करना है, प्रश्न पूछ करके पैदा करना है, अगर किसी को बाहर से मोटिवेट करना है तो क्या करना है, या तो उसको आप पुरस्कार दीजिए, या तो उसको आप नंबर वगैरह कुछ प्रोवाइड करिए, या नंबर जैसा कुछ भी प्रोवाइड करिए, खिलौना प्रोवाइड करिए, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है, या फिर उसको दंड दीजिए, तो इस तरीके से आप बाहर से मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक कि आप बाहर से ही मोटिवेट करने के लिए आप प्रशंसा भी कर सकते हैं, उसकी निंदा भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो उसको आत्मगौरव की अनुभूति होगी, तो तभी वो मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन ये बाहर से ही आप मोटिवेट कर रहे हैं। अब प्रेरणा अगर आप अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो समाजीकरण आपका हो जाता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये कैसे याद करना मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी खेल कूद अगर आप करवाते हैं तो खेल कूद से भी लड़के क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनकी गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। आदिवादी शब्द अगर आ जाए कुछ इस तरीके के, मैंने ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाए और सही ट्रिक बिल्कुल एकदम काम भी कर रहा था सभी क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखेंगे ऐसे अगर वर्ड आपको दिखाई दे जाते हैं तो सीधे कट मार दीजिए, सीधे गलत मार दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन वर्ड सिर्फ वर्ड देख करके नहीं, जैसे मैंने जो आपका एक क्वेश्चन करवाया वो थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा था, आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वो देख करके नहीं मारना है, ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा बच के रखिएगा, बाकी आप आँख बंद करके मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आदिवादी शब्दों में। इसके बाद देखिए आंतरिक या बाहर से क्वेश्चन कितने ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू लर्न इट ये भी आपका क्लियर हो गया। एक और चीज़ है, देखिए कैसे याद रखना है ना ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए आप, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना करके रखा हूँ कि कैसे रिवाइज करें, कैसे रिवाइज, हालांकि मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, क्यों पढ़ें कैसे रिवाइज करें, सही करके मैंने 4 वीडियो आपको बना करके ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे रिवाइज करें वाला,
वो वाला वीडियो आप लोग जाकर के देखिएगा चैनल पर, आपको 100% समझ आ जाएगा कि कैसे रिवाइज करना। अगर आप ऐसे रिवाइज करते हैं तो 100% आपको कभी नहीं भूलेगा, आपके एग्जाम तक बिल्कुल याद रहेगा, ये मेरी लिखित गारंटी है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसमें, हाउ टू लर्न इट। इसके बाद यूज इन एलिमिनेशन, कैसे एलिमिनेशन के अंदर यूज करना है। मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया कि एलिमिनेशन के अंदर कैसे यूज करना है। अगर किसी दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है और उस चैप्टर के अंदर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में डाल देता है या दो ऑप्शन में डाल देता है, तो आप उन ऑप्शंस को पहले क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें उससे मैच होंगी ही नहीं। जैसे मैंने बोला ना, आपको अगर क्वेश्चन को सही करना है तो क्या करना है, टिकी तो मारना है, पूरा उसका ब्यौरा थोड़ी लिखना है, आपको एक्सप्लेन थोड़ी आपको करना है। तो आप क्या कर दीजिए, तीन ऑप्शन को गलत कर दीजिए, एक ऑप्शन अपने आप आपका सही हो जाएगा। तो उसके लिए आप यूज एलिमिनेशन, इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि आप एलिमिनेशन में इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब वर्ड्स अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में पुट कर दिए जाते हैं तो आप उनको बड़े आराम से कट मार सकते हैं, क्योंकि ये तो उसे अपग्रेडा वाले चैप्टर का था, ये कुछ दूसरा पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसको मार दीजिए कट। ठीक है, तो यह हो जाता है। और सबसे लास्ट में रिवीजन इन वन लाइन, अब मैंने बोला ना कि मैं एक लाइन के अंदर पूरा रिवाइज करवाऊंगा, तो वैसे मैंने अभी रिवाइज करवा दिया है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ पूरे। देखिए पूरे के पूरे इतने दो घंटे के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना कि मैकडूगल में सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने क्या किया है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अंदर दिया हुआ है, काम खत्म। इसके बाद अपग्रेडा वाले चैप्टर से, अपग्रेडा वाले चैप्टर को कैसे याद रखेंगे, अपग्रेडा का मतलब मोटिवेशन, मोटिवेट आप कैसे होंगे, तो जब मोटिवेट अगर आप होंगे तो आपके अंदर क्या पैदा होगी, रुचि पैदा हो जाएगी। मोटिवेट अगर आप होंगे तो आपके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, रुचि पैदा हो जाएगी। मोटिवेट दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर अंदर से कर सकते हैं या तो बाहर से कर सकते हैं। बाहर से करने के लिए आप प्रश्न पूछ करके मोटिवेट कर सकते हैं, पुरस्कार देकर के मोटिवेट कर सकते हैं, अंक देकर के मोटिवेट कर सकते हैं, दंड देकर के मोटिवेट कर सकते हैं, प्रशंसा करके मोटिवेट कर सकते हैं, ये सब बाहर वाला है। निंदा करके मोटिवेट कर सकते हैं, या प्रशंसा या फिर निंदा अगर आप करेंगे तो आत्मगौरव की अनुभूति होगी। याद रखिएगा आत्मगौरव का मतलब, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, आत्मगौरव का मतलब अंदर से अच्छा फील होगा। दूसरी बात, अगर आपको अंदर से मोटिवेट करना, देखिए ये जो खेल कूद वाला सिस्टम ये भी बाहर वाला है, कि अगर आप लड़कों को खेल कूद करवाते हैं तो कॉम्पिटिशन की भावना आएगी, कॉम्पिटिशन करने की, मुझको फर्स्ट आना है, मुझको फर्स्ट आना है, तभी वो बाहर से ही मोटिवेट होंगे। तो ये सब के सब बाहर वाले हैं, जबकि अगर आपको अंदर से मोटिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अंदर से मोटिवेट करने के लिए आपको, जैसे अंदर से मोटिवेट अगर करना है तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर से मोटिवेट होने का मतलब ये होता है मोटिवेट करना नहीं, मोटिवेट हो जाना। अगर मुझे अंदर से मोटिवेट करना है तो आप करेंगे कि मैं खुद होऊंगा, मैं जब तक नहीं चाहूंगा अपने अंदर से मोटिवेट होना, तो आप मुझे अंदर से मोटिवेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अंदर से मोटिवेट कोई इंसान जब वो चाहे तभी हो सकता है, कोई बाहर से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई बाहर से किया तो तुरंत आ जाएगा बाह्य मोटिवेशन में, अंदर वाले में नहीं आएगा। इसीलिए आप देखेंगे बाह्य मोटिवेशन वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप किया जाता है, क्योंकि कोई भी टीचर बाहर से ही मोटिवेट कर सकता है, अंदर से नहीं कर सकता। और आप जान बनने जा रहे हैं टीचर, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपसे ज़्यादा देख रहे होंगे, इसकी पूछने की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अतिवादी शब्द, अगर इसमें से कुछ आ जाता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक बोल देता है, बहुत ज़्यादा बोल देता है, केवल एकदम बोल देता है, केवल यही होगा और कुछ नहीं होगा, एकमात्र एकदम बोल देता है कि एकमात्र यही होगा और कुछ नहीं हो सकता, हमेशा अगर यूज कर लेता है, बिल्कुल भी यूज करके बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी यही होगा, ऐसा कुछ बोल लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर एकदम अतिवादी शब्द का इस्तेमाल कर लेता है, अति एकदम कर देता है, तो समझ जाइए अगर कोई अति कर रहा है इसका मतलब वो फेंक रहा है ना, फेंक रहा है एकदम, और जो फेंक रहा है तो उसको तुरंत कट मार दीजिए। जब आप कट मार देंगे तो वह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये रहा पूरा, एक लाइन के अंदर मैंने सब कुछ खत्म कर दिया सीधे सीधे। एक बार मैं फिर से अगर एक लाइन के अंदर खत्म करूँ तो बस एक छोटी सी लाइन याद रखिएगा, मैकडूगल का मतलब मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और अपग्रेडा को एक दूसरे से एक लाइन के अंदर ऐसे रिलेट करते हुए आ जाइए कि अपग्रेडा का मतलब होता है कि मोटिवेशन, और मोटिवेशन से क्या आता है, रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि उत्पन्न करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं, अंदर से या फिर बाहर से। बाहर के लिए ये पूरी चीज़, और अंदर के लिए आप समझ गए हैं, अंदर से कोई कर नहीं सकता, अंदर से जब भी होगा तो वो लड़का खुद ही होगा, आप खुद ही होंगे, बाहर से आप, अंदर से कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। बोलिए एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा क्लास खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, पूरा दो घंटे का क्लास एक लाइन के अंदर खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, बिल्कुल खत्म हो गया।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें, पूरा क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी, जैसे पियाजे हो गए, आपके कोहलबर्ग हो गए आपके, या और भी कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छे अच्छे हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं और कुछ चैप्टर भी। देखिए सिर्फ मनोवैज्ञानिक अगर मैं इनकी अगर बात करता हूँ तो कितने क्वेश्चन निकल कर गए थे, मुश्किल से 2-3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ था सिर्फ इनसे। लेकिन ये जिस चैप्टर से बिलोंग करते हैं उससे देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। तो इसलिए मैं पूरा चैप्टर ही मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये मैं दूसरा चैप्टर लेकर के आऊँ और पूरा ठीक तरीके से ऐसे ही पूरा उसका पोस्टमार्टम कर डालूँ, एक एक चीज़ को निकाल करके आपको दिखाऊँ, और जो चैप्टर मैं पहले उस चैप्टर के बारे में आपको समझाऊँ पूरा का पूरा कि क्या है वो पूरा का पूरा चैप्टर, और इसके बाद मैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ तक कि टेट, जूनियर टेट और सी टेट तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे आप लोगों को ऐसे ही वीडियो और प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया गया है। अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे सोच लीजिए आप लोग मुझे मोटिवेट करने का काम नहीं कर रहे हैं, डीमोटिवेट करने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।